वेल, ये कहानी होने वाली है होशिनो आई के बारे में, जो कि एक जापान की आइडल है। आइडल की एक अलग ही पर्सनालिटी होती है, चाहे वो असल में कितने ही बुरे हों, उन्हें लोगों के सामने हमेशा अच्छा बन के रहना पड़ता है। ऐसे ऐसा भी नहीं है कि जापान में सिर्फ एक ही आइडल है, बट उन सभी में से एक आइडल जिसका नाम है होशिनो आई, वो काफी ज्यादा ही सुंदर और हॉट है। बातें हैं गोरो कहरा होता है, जो कि जापान में ही एक डॉक्टर होता है, और इसी के साथ वो अपने पेशेंट के कमरे में ही ये शो देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक नर्स आके उस गोरो को चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम अभी एक पेशेंट के कमरे में हो। बट गोरो बोलता है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अब वो लोग होते हैं, वो हॉस्पिटल के टेरिस पे चले जाते हैं, जहाँ पे नर्स बोलते है कि आखिरकार सर आप ऐसा क्यों करते हो। तो वो बताता है कि एक टाइम पे मेरी एक पेशेंट थे जिसका नाम था सरीना, जो आई की एक बहुत ज्यादा बड़ी फैन थी, और वो हमेशा से उसी की तरीके से बनना चाहती थी, बट वो नहीं बन सकती थी क्योंकि उसे फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर था। इसलिए उसका सपना था कि वो दूसरे जन्म में भी एक ऐसा ही इंसानी रूप ले और खूबसूरत बच्ची पैदा हो। पर रिबॉर्न वाली बातें यहाँ पे गोरो को बिल्कुल अजीब लगती हैं। फिर भी वो उसकी बातों को सपोर्ट करता है, जिससे वो उसे प्रपोज कर डालती है, पर उसे बच्चा कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके 12वें जन्मदिन पे उसकी मौत हो जाती है। और अब गोरो सोचता है कि अगर वह जिंदा होती तो शायद वो आई की तरह जितनी बड़ी हो गई होती और एक आइडल बन गई होती। नर्स बोलती है कि सर आप सरीना के पीछे अपनी तड़प है वो छुपा रहे हो, है ना। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने पेशेंट के पास जाता है। गोरो पता चलता है कि उसका पेशेंट एक लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट है, और वो और कोई नहीं बल्कि आई है। देन आई का थोड़ा चेकअप करवाया जाता है, और कुछ देर बाद पता चलता है कि आई को ट्विंस होने वाले हैं। मैनेजर आई से उसके बच्चों के बाप के बारे में पूछता है, बट वो उस बात को टाल देती है। पर गोरो उसका साथ देने का वादा कर देता है, और उसके बाद वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी एक्सरसाइज में हेल्प करता है, और ट्रीटमेंट भी अच्छे से चलवाता है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है, आई का अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और एक दिन गोरो होता है वो अपने घर जाने लगता है, जिससे आई थोड़ी परेशान होती। पर गोरो से प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस आएगा उसकी सर्जरी से पहले। देन वो अपना सामान लेने के लिए अपने घर पे जाने लगता है, और रास्ते में जब वो जा रहा होता है, एक बंदा पीछे से आके बोलता है कि तुम ही आई के डॉक्टर हो ना। उस बंदे को आई के बारे में सब मालूम था, इस वजह से गोरो होता है वो उसे पकड़ने के लिए भागता है उसके पीछे। वो चोर अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ पे गोरो को खाई में फेंक देता है। अब यहाँ पे उसके फाइनल मोमेंट के अंदर भी वो यहाँ पे सोच रहा होता है सरीना के बारे में, और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, वो अपनी आंखें खोलता और पाता है कि अब वो एक छोटा बच्चा है, और वो आई का ही बच्चा होता है। पर अब इस वर्ल्ड में उसका नाम हो गया होता है एक्वामरीन। वैसे एक्वा को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट फिकर सिर्फ इसी बात की थी कि उसे अपना पास्ट पूरी तरीके से याद, और अब वो सोचता है कि वो कुछ बदल तो नहीं सकता है, इसलिए जो चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। वेल, ये बात तो हो गई हमारे एक्वा की, बट आपको पता होगा दो बच्चे हुए थे, तो दूसरे का नाम होता है रूबी हाशिनो, जिसको आई से कुछ ज्यादा ही खास लगाव था। अब आई होती है वो आइडल के करियर में फिर से दोबारा है वो उबार लाना चाहती थी, इस वजह से वो इचिगो की हेल्प होती है, वो मांग लेती है। इचिगो भी मना नहीं करता है, बट शर्त यहाँ पे रखी जाती है आई के द्वारा कि जब तक वो मॉडलिंग या फिर कहीं आइडलिंग करेगी, तब तक उसके बच्चों का वो लोग ख्याल रखेंगे। इचिगो भी बोल देता है कि जब तक तुम काम कर रही हो हमारे साथ, तुम भी किसी को नहीं बताओगी ये तुम्हारे बच्चे हैं, वरना तुम्हारा और मेरा करियर दोनों खतरे में आ जाएंगे। और 6 महीने की छुट्टियों के बाद आई पहली बार अपना फिर से अटेंड करती है कॉन्सर्ट जो भी, और वहाँ पे हमारा एक्वा से काफी इंजॉय कर रहा होता है। अब हमें स्टॉकर को दिखाया जाता है, जो कि आई को ऑनलाइन स्टॉक कर रहा होता है, और एक्वा काफी मजे कर रहा होता है। वहीं रूबी भी होती है, वो आइडल यानी हमारी आई की बहुत ज्यादा बड़ी वाली पंखी होती है, और उसे देखने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, और जब भी ये मौका छूट जाए तो एक्वा को काफी गालियां पड़ती हैं। पर एक्वा को ये आइडिया था कि रूबी भी उसी की तरह रिबॉर्न हुई है, और एक रात जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि रूबी ऑनलाइन किसी को रिप्लाई दे रही थी, क्योंकि वो आई का बहुत ज्यादा मजाक और बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। जो भी हो, ये दोनों फिलहाल तो बच्चे ही हैं, तो एक्वा होता है वो अपनी माँ के चेस्ट का दूध बिल्कुल नहीं पीता है, वो बोतल से दूध ग्रहण करता है, क्योंकि एक अच्छा बच्चा है वो। पर रूबी कोई मौका नहीं छोड़ते, और जितने मजे हो सके उस मजे के साथ दूध पीती है। अब हमें मियाको को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों से काफी परेशान आ चुकी थी। उसने इचिगो के साथ इसलिए शादी की थी क्योंकि उसे लगा था कि इचिगो उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देगा, पर अब वो तो सिर्फ आई के लिए एक बेबी सिटर बन के रह गई। इसलिए अब वो सोचती है कि अब वो उसके करियर को भी नहीं छोड़ेगी, और उसके करियर को पूरी तरीके से ये वो खा जाएगी, जिसके लिए वो डिसाइड करती है कि ये बात लीक कर देगी एक्वा और रूबी है वो और किसी के नहीं बल्कि आई के ही बच्चे हैं। वैली अफवाह फैला के वो काफी पैसे तो कमा सकती थी, बट वहीं दूसरी और रूबी बोलती है कि अब हम लोग क्या करें, ये तो हमारी मॉम का राज खोल डालेगा। और यहाँ पे मियाको पूरी पागल ही हो चुकी होती है। वहीं दूसरी और रूबी ये भी सजेशन दे रही होती है, क्या इसको टपका डालें क्या। एक्वा बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमसे साथ में बहुत ज्यादा ही बड़ी है। इसलिए वो नाटक करते हैं कि वो देवताओं की दूत है और वहाँ पे आई उसे सजा देने के लिए, अगर वो किसी भी तरीके की कोई गलती करती है तो उसे भगवान के समीप भेज दिया जाएगा, यदि वो उनके राज को राज रखते हैं तो वो सदा के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छे मनुष्य के साथ
बांधी जाएगी। वेल, मोह और लोभ किसी को जीने नहीं देता है, जो कि यहाँ पे होने लगता है मियाको के साथ। अब इसके बाद हमें एक्वा की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो याद कर रहा होता है सरीना को, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ये वो बीमार थी, और अब वो समझ जाता है कि ये रूबी और कोई नहीं बल्कि सरीना ही है। पर वो जल्दबाजी में वो उसका असली नाम होता है वो बोल डालता है, जिससे रूबी होती है वो आधी नींद से उठ जाती है, जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि रूबी ही सरीना है उसके पास्ट लाइफ वाली, जहाँ पे मतलब सरीना ने उसे लाइन मारी होती है, प्रपोज किया होता है, दैट्स ऑल। वैसे तो आई ने कमबैक मार लिया होता है, बट फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो रही होती, क्योंकि 6 महीने का गैप उसे काफी ज्यादा महंगा पड़ा होता है। वेल, आई की जो पेमेंट होती है वो बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी होती है, जिससे दो बच्चों को लेके चलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका होता है, जिस वजह से रूबी एक्वा से पूछती है कि आखिरकार आइडल को पे कैसे किया जाता है। तो एक्वा बताता है कि आइडल के शो से जो अर्निंग होती है वो अकेले आइडल की नहीं होती है, बल्कि वो पूरी टीम में होती है, वो बांटी जाती है, जिस वजह से अगर जितना ज्यादा अर्निंग होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि उन्हें कॉन्सर्ट का बजट एक्सपेंस सारे हैंडल करने होते हैं। वेल, मियाको को भी ये बात काफी ज्यादा अच्छे से पता थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अकेले चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, काफी टफ चैलेंज आएंगे तुम्हारे सामने, कई लोग आएंगे, अगर तुम तब वहाँ खड़े रहते हो तो ही तुम जाके एक सफल इंसान बन पाओगे। और अब आई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा लंबे ब्रेक के बाद प्रैक्टिस पे होती है, बट उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा होता है। आई को डेली कई अच्छे कमेंट आते हैं, कई बुरे कमेंट आते हैं, और अब हमें शो वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्वा और रूबी होते हैं वो मियाको को हाथ पैर जोड़ के यहाँ पे जबरदस्ती लेके आने पे मजबूर कर देते हैं। मतलब थोड़ी देर बाद भी आई यहाँ पे आ जाती है और गाना या फिर अपना शो करना शुरू कर देती है, बट उसे वो कमेंट याद आ रहा होता है कि तुम्हारी स्माइल ही झूठी है। वेल, ये बात पूरी तरीके से सच होती है, उसकी जिंदगी में कुछ सच्चा नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक्वा और रूबी अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं लोगों के सामने, जिसे देख के लोग हैरान हो जाते हैं। ये पूरी चीज सिर्फ वो और सिर्फ वो आई को इंकरेज करने के लिए कर रहे होते हैं, जो कि सक्सेसफुली अप्लाई हो जाती है, और सच में आई एक असली हंसी हंस देती है। और रातों रात एक्वा और रूबी की परफॉर्मेंस भी वायरल हो जाती है और उन्हें कई ऑफर भी है वो आने लगते हैं, और यहाँ पे आई फिर से खुश हो जाती है उसकी असली खुशी से। अब थोड़ा वक्त और बीत जाता है, जहाँ पे वो लोग चलने फिरने लायक है वो हो जाते हैं, और इसी के साथ वो आई को ज्वाइन करना है वो शुरू कर देते हैं, जैसे कि उसी के साथ ड्रामास और शो में है वो काम करना। वेल, ये बात पूरी अलग है, इसके लिए उन्हें हाथ पैर जोड़ने पड़े थे। देन अब वो लोग एक डायरेक्टर ताशुडा के पास है वो पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पे उन दोनों बच्चों को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, बट रूबी को सेट पे काफी ज्यादा प्यार मिलता है, और एक्वा साफ हवा लेने के लिए बाहर चला जाता है। एक्वा बाहर निकलते ही ताइशी से टकरा जाता है, और ताइशी बोलता है अगर तू रोया तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा, तो एक्वा उसे सिंसियरली माफी मांगने लगता है। वेल, ताइशी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो सीधा उसे अपनी गोद में उठा लेता है, और वो बोलता है कि वैसे तो तुम बच्चे हो, बट तुम एक अडल्ट की तरह अच्छे से बात कर लेते हो। तो वह एक्वा को अपना कार्ड देता है, और वो बोलता है इनकेस अगर तुम्हें फ्यूचर में काम चाहिए हो तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना। अब ताइशी एक्वा को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ बता देता है, और आई होती है वो पहली नजर में ही लोगों की नजरों में आ चुकी होती है, हालांकि उसकी एक्टिंग एवरेज होती है। अब कुछ समय बाद आई का टीवी पे शो आ जाता है, और पता चलता है कि आई का रोल तो कुछ सेकंडों के लिए ही है वो दिया गया और सब काट दिया गया। जब एक्वा इस बारे में पूछता है तो ताइशी बताता है कि असल में आई इतनी क्यूट है, अगर हम उसे पूरी स्क्रीन पे रखते तो हमारी मेन फीमेल एक्ट्रेस का करियर खतरे में आ जाता, बट वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो आई को एक मूवी में मौका देने का सोचेगा। पर उसकी एक कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पे आई को उसके साथ काम करना है तो एक्वा को भी उसके साथ एक मूवी होती है वो करनी ही पड़ेगी। अगले दिन एक्वा होता है वो ताइशी से मिलता है, और वो बोलता है कि सर जी आप मेरी जगह मेरी बहन रूबी को ले लो, वो एक्टिंग में काफी अच्छी है। बट ताइशी बोलता है कि नहीं, क्योंकि हमारे सीन में सिर्फ एक मेल एक्टर है जो कि तुम हो। अब ताइशी बोलता है कि तुम जाओ और अपनी फीमेल लीड से मिल लो, जिसका नाम होता है काना, जो कि उन दोनों के सामने काफी हेकड़ी झाड़ रही होती है, जिससे उन दोनों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद काना की एक्टिंग का टाइम शुरू हो जाता है, जहाँ पे काना काफी ज्यादा बढ़िया करती है, जिससे एक्वा बोलता है इसकी एक्टिंग ठीक है, बट इसकी जगह मैं रूबी को चाहता था, इस वजह से वो सोचता है कि अब वो इस जगह पे एक्टिंग नहीं करेगा। पर एक्वा न चाहते हुए भी एक ऐसी एक्टिंग कर जाता है जो मामूली रूप से किसी भी चाइल्ड एक्टर के लिए संभव नहीं थी, जिस वजह से सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, और काना होती है वो डायरेक्टर के सामने जाके रोने लगती है। वो बोलती है कि उसे एक और शॉट चाहिए, बट डायरेक्टर उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी एक्टिंग पहले से ठीक है। अब इसके बाद ताइशी एक्वा को एक्टिंग के बारे में समझा रहा होता है कि एक्टिंग में स्क्रिप्ट के अलावा स्क्रिप्ट के इमोशन जरूरी होते हैं, जो कि अगर एक्टर समझ पाता है तो ही वो स्क्रिप्ट को अच्छा कर पाएगा। और अब ऐसे करते करते 2 और साल बीत जाते हैं, जहाँ पे आई का करियर होता है वो लाइन पे आ जाता है और एकदम अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, और अब एक्वा और रूबी भी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। एक बार रूबी की टीचर उसे डांस कॉम्पिटिशन में डाल देती है, बट इस बात से वो घबरा जाती है क्योंकि पास्ट लाइफ में अपने कैंसर के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इस वजह से इस लाइफ में भी उसे काफी खतरा था। पर आई
उसे एंकरेज करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। वो उसे अच्छे से मोटिवेट करती है और उसी के साथ प्रैक्टिस करती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। और एक्वा को भी उसका डांस काफी बढ़िया लगता है। और हमें दिखाया जाता है आई को फिर से, जो कि एक बूथ में खड़ी होती है और अपने बच्चों के बाप से फोन कर रही होती है कि बच्चे काफी बड़े हो गए हैं तो उनसे मिलने आओ कभी। देन वो उसे अपने घर का प्रॉपर एड्रेस बता देती है। और आई का करियर पीक पे चल रहा होता है, जहाँ पे उसकी फैन पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई होती है, जहाँ पे चिगो इससे काफी ज्यादा खुश होता है। आई के शो काफी बड़े पैमाने पे होने लग गए होते हैं, जिससे चिगो काफी ज्यादा हैप्पी होता है। अब इची को उस दिन के बारे में बताने लगता है जब आई उसे पहली बार आइडल बनने के लिए वो मिली थी। बट उस दिन उसने डिसाइड किया था कि उसकी एक्टिंग ही उसका करियर बनेगी। उसे झूठ बोलना पड़ेगा कि जैसे अपने फैन को आई लव यू कहना, ये सब चीजें। उसने सोचा था कि जब उसके बच्चे होंगे तब तो उसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, बट उसके बाद भी उसका झूठ बोलना बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये राज छुपाना था। एक दिन आई के दरवाजे पे अचानक से खट होती है, जहाँ पे वो दरवाजा खोलने जाती है तो एक आदमी होता है हाथों में गुलदस्ता लेके उसके पेट में चाकू डाल देता है। आई पूरी तरीके से खून खून हो गई होती है। वो बंदा बोलता है कि तुम अपने फैन के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तुम सिर्फ दिखावा करती हो और तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया। आई बोलती, ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरे फैन सच में काफी ज्यादा पसंद है, मैं उन्हें सच में प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारा नाम तक याद है रियो। और वो उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रियो अपनी गलती रियलाइज कर देता और गलती से बहुत ज्यादा डर जाता और वहां से भाग जाता है। एक्वा यहाँ पे काफी डर चुका होता है, वो एम्बुलेंस कॉल कर रहा होता है, बट यहाँ पे अब हमारी आई के पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, वो काफी घबरा जाती है। वहीं दूसरी ओर रूबी होती है, वो दरवाजे के पीछे होती है और उसे कुछ नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है। बट वहीं पे आई एक्वा से बोलती है कि डायरेक्टर से मेरी ओर से माफी मांग लेना। आई को मरते वक्त भी अपनी कोई भी ज्यादा फिकर नहीं थी, वो इचिगो से माफी मांगने के लिए कहती है और वो बोलती है कि मैं चाहती थी कि यहाँ पे रूबी उसी की तरह एक आइडल बने। आई रूबी के साथ एक स्टेज पे परफॉर्म करना चाहती थी और चाहती थी कि एक्वा भी एक बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर बने। आई एक्वा रूबी से बोलती है कि उन दोनों को बड़े होते हुए देखना, उनको पैदा करना उसकी लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी खुशी थी। और अब वो उसको जाते जाते ये बोल देती है कि आई लव यू माई किड्स, और उसके आखिरी शब्दों के साथ उसकी आंखों की जो रोशनी होती है वो खत्म हो जाती है। वेल, ये बात होती है वो सिटी में आग की तरह होती है, वो फैल जाती है, जहाँ पे कई लोग इस बात से काफी दुख थे और उसे सिंपति दे रहे थे, और कई लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा रहे थे। और धीरे धीरे करके ये हादसा एक खबर की तरह होता है, वो मिट जाता है। और अब मियाको होती है, वो एक्वा और रूबी को फाइनली अडॉप्ट है वो कर लेती है। पर एक्वा को ये शक तो हो गया होता है कि उसकी मॉम के घर का एड्रेस ऐसे ही लीक नहीं हुआ होगा, उसके पीछे कोई रीजन होगा। एक्वा को लगता है कि उसके डैड ये सब है वो करवाया है, शायद हो सकता है कि वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट पे और अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने की वजह से वो ये सब कर रहा है। तो एक्वा डिसाइड करता है कि वो अपने बाप को अपने हाथों से मार डालेगा और एक दिन जाके वो इशिरा से मिलता है। यहाँ पे एक्वा ताइशी से बोलता है कि वो उसे अपने बच्चे की तरह वो बड़ा करे, उसे एक्टिंग सिखाए, और वहाँ पे हो जाता है उनका एंड। आई मीन उसे बचपन का, और अब वो लोग काफी बड़े हो जाते हैं, वो अपने हाई स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। और अब ये कहानी होगी एक्वा के बदले की। यहाँ पे रूबी ने होता है वो अपनी आइडल बनने का सफर शुरू कर दिया होता, उसने काफी टेस्ट दिए होते हैं और काफी ज्यादा इंटरव्यू भी है वो दिए होते हैं। रूबी होती है वो अपनी दोस्तों से बोल रही होती है कि देखो यार, मैंने इंटरव्यू दिया है जो कि काफी ज्यादा ये वो बढ़िया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे उस इंडस्ट्री की तरफ से मैसेज जरूर आएगा। रूबी की दोस्त भी बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी तुम हर चीज में अच्छी हो, तो हमें लगता है कि तुम्हें ऑफर है वो जरूर मिलेगा, जिससे यहाँ पे रूबी भी होती है वो काफी ज्यादा इनकरेज हो जाती है और उनका थैंक यू करने लगती है। अब इसी के साथ वो अपने घर पे जाने के लिए वो निकलने लगती है, और जाते जाते वो सोचती 10 साल पहले हुआ था वो, यानी हमारी आई की डेथ, जो कि एक पागल फैन ने कर दी होती है। अब रूबी बताने लगती है कि असल में वो उसकी फैन कैसे बनी। जब पुरानी लाइफ में वो एकदम कमजोर हो गई थी, उसे काफी बीमारियां हो गई थी, तब उसे एंटरटेन करने के लिए उसके पास कुछ नहीं बल्कि एक टीवी थी, जिसमें वो हमेशा आइडल वाला शो देखती थी, जिससे उसकी रोल मॉडल बन गई और कोई नहीं बल्कि आई, और उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। पर बीमारी के कारण यहाँ पे सरीना की मौत हो जाती है, और वो सोचती है काश वो फिर से जन्म ले, और ऐसा ही होता है, और वो सीधे यहाँ पे हमारी आई की बेटी के रूप में जन्म लेती है। अब प्रेजेंट में रूबी सोच रही होती है कि मेरा इंटरव्यू तो वैसे बहुत ज्यादा अच्छा गया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं अपनी मॉम के सपने को, यानी आइडल बनने के सपने को पूरा कर पाऊं। तभी एक्वा वहाँ पे आ जाता है और रूबी के सिर पे मारते हुए बोलता है कि ये सारी चीजें तुम बाद में भी है वो कर सकती हो, पहले अपनी स्टडी पे फोकस करो। तो रूबी बोलने लगती है कि मुझे पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आइडल बन गई तो सब कुछ खत्म।
एक बार फिर समझाने लगता है कि आजकल इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ज्यादा स्कोप है वो नहीं है। एक बार अगर तुम मान भी लोगे तुम इस चीज में चली जाती हो तो 1% चांस है तुम सक्सेसफुल होगी। और एक आइडल का करियर ज्यादा से ज्यादा 30 साल का होता है, तो उसके बाद तुम क्या करोगे तुम्हें बता भी है। वेल ये बात है, यहाँ पे रूबी को काफी ज्यादा खराब लग रही होती है, इसलिए वो उसे उल्टा रिप्लाई करते हुए बोलते है कि मुझे जो करना होगा करूंगी, वैसे भी मैं मॉम की तरह एक गलती भी है वो नहीं करने वाली, और वैसे भी मुझे मॉम के सपने को पूरा करना है, तो तुम प्लीज अपने काम से काम रखो। देन एक्वा भी बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी है, देन वो वहां से जाने लगता है। जब एक्वा वहां से चला जाता है तो रूबी होती है वो बोलने लगती है कि जब से मॉम की डेथ हुई है उसके अगले दिन से यहाँ पे एक्वा काफी ज्यादा ये वो बदल गया है, वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, लोगों से घुलना मिलना तो बिल्कुल ही बंद है। एक्वा के साथ साथ इचिगो और मियाको की भी जिंदगी भी है वो झंड हो चुकी है, मतलब जैसे यहाँ पे आई की डेथ होती है उन दोनों का धंधा पूरा बंद हो जाता है। इचिगो होता है वो बैंकक्रप्ट हो जाता है क्योंकि वो लोगों को है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, लोग उनके शोज में आना एकदम बंद कर चुके थे, इस वजह से उनका स्कोर बहुत खराब चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी आइडल वाली कंपनी पूरी तरीके से बंद कर दी। प्रेजेंट में जो रूबी होती है वो मियाको से बोलती है कि आप मुझे अपनी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन में क्यों नहीं ले लेते, तो वो बोलते है कि हम ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आई के पास एक सच में टैलेंट था और उस जैसा टैलेंट अभी ढूंढना बहुत ज्यादा ही है वो मुश्किल है। तभी रूबी को होता है वो ऑडिशन वालों की तरफ से होता है वो फोन आता है, रूबी काफी ज्यादा नर्वस होकर इस फोन को पिक करती है और सामने से रिप्लाई आता है वेल सॉरी मैम इस बार के कैंडिडेट होते हैं वो फुल हो चुके हैं, आप अगले साल है वो ट्राई कीजिएगा शायद आपकी बात बन जाए। ये बात सुन के रूबी का अपनी माँ का सपना पूरा करने का सपना होता है वो टूट जाता है। तभी मियाको उसको हक करके बोलते है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि आजकल की हर चीज में पॉलिटिक्स होती है, हर किसी के अलग अलग कनेक्शन होते हैं, तो तुम्हारा चांस आना वैसे ही नामुमकिन था। अब हमें ताइशी को दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा उसे एक फोन देता है और उसके बाद वो बोलने लगता है ताइशी वाह तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया एक्टर हो, तुमने अपनी बहन को एहसास दिला दिया कि वो फेल हो चुकी है। हमें पता चलता है कि एक्वा ने चीटिंग करके रूबी के फोन से होता है वो एप्लीकेशन होता है वो रिजेक्ट कर दिया होता है या फिर ड्रॉ कर दिया होता है कि अब वो नहीं आना चाहते इस चीज में। ताइशी बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे करने दो ना आइडल बनने का जो भी उसका सपना है। तो यहाँ पे हमारा लौंडा बोलने लगता है मैं उसे इस आइडल की जिंदगी से जितना हो सके उतना दूर रखना चाहता हूँ वरना उसका वही हाल होगा जो मेरी मॉम का हुआ था। अगले दिन जब रूबी रास्ते से गुजर रही होती है तभी एक बंदा आके बोलता है कि मैम हम अंडरग्राउंड जो आइडल ग्रुप है वो चलाते हैं क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहोगी। खुशी से पागल रूबी होती है वो सीधा घर पे जाती है और ये बात हमारे एक्वा और मियाको को होती है वो बता देती है और वो बोलती है कि फाइनली अब वो अपनी मॉम का सपना है वो पूरा कर पाएगी। एक्वा होता है वो मियाको को बोलने लगता है कि तुम इसे रोकती क्यों नहीं वरना ये वही कर देगी जो मैं नहीं चाहता। मियाको होती है वो बोलने लगती है उसने रूबी को अपनी असल बेटी की तरह ही है वो पाला है, उसमें कुछ भी भेदभाव है वो नहीं किया है, ऊपर से आई के सपने को पूरा करने के लिए वो पूरी मेहनत भी है वो करती है। रूबी काफी हद तक आई की तरह देखती है और उसी की तरह होते है वो उसके चाल ढाल है, तो उसे रोकने की बजाय हमें उसका साथ देना चाहिए। देन एक्वा बिना कुछ बताए होता है वहां से इंडस्ट्री वाला कार्ड उठाता है और निकल जाता है। अब एक्वा होता है वो 420 बन के उसी ग्रुप की एक लड़की से मिलता है और बोलता है क्या तुम हमारे साथ स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के अंदर काम करना चाहोगे, हम तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी देंगे। ये बात सुनते ही वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सीधे एक्वा के साथ होती है वो चली जाती है और एक्वा होता है अब उससे सारी जानकारी निकलवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और वो पूछता है कि वैसे तुम्हारी कंपनी में क्या हाल चाल है। वो लड़की बताने लगती है कि उसका प्रोडक्शन हाउस है वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब उसकी सैलरी वहाँ पे बहुत ज्यादा ही है वो कम है, उसे अपने कॉस्ट्यूम के खर्चे मेकअप के खर्चे और बाकी सब देने पड़ते हैं, ऊपर से फैंस के साथ होते हैं वो फोटो भी खिंचाने पड़ते हैं और बच बचा के उसके हाथ में सिर्फ 1000 येन ही है वो आते हैं। वो लड़की बोलती है इतने खर्चे में पूरा महीना गुजारना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ऊपर से वो लोग उन्हीं लड़कियों को प्रमोट करते हैं जिन्हें वो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद करते हैं लाइक इन अदर वे। एक्वा होता है वो यहाँ से समझ जाता है कि रूबी का वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इस वजह से वो ये सारी बातें मियाको को बता देता है और वो बोलता है कि आप इसमें मेरी हेल्प है वो कर सकती हो क्या। अगले दिन जब रूबी होती है वो सज के सवर के जाने के लिए एकदम तैयार होती है तभी मियाको होती है उसे अपने पास बुलाते और पूछते क्या तुम्हें पता भी है तुम करने क्या जा रही हो, क्योंकि आजकल लोग कुछ काम फ्री में नहीं करते हैं, शायद लोग होंगे वहाँ के खराब और तुमसे मांगे कुछ अजीब अजीब फेवर, तो वो बोलती है कि ये बात मुझे अच्छे से पता है। रूबी बोलती है कि वो हमेशा अपनी मॉम की तरह एक अच्छी आइडल बनना चाहती थी और उसका सपना भी है वो पूरा करना चाहती है, इस वजह से मियाको बोलने लगती है तो अगर यही बात है तो तुम इस फालतू एजेंसी में जाने का सपना छोड़ दो। ये सुनते ही रूबी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, इतने में मियाको बोलती है इनफैक्ट तुम हमारी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन है वो ज्वाइन कर लो। वेल मियाको का ये आइडिया रूबी को इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगा होता है, इसलिए तुरंत ही मियाको होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो निकालती और रूबी से बोलती है कि तुम यहाँ पे साइन कर दो और वो ऐसा ही है वो करती है। वेल ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली इसीलिए होता है कि रूबी कहीं और है वो ना जा सके काम करने के लिए, अगर ये ऐसा गलती से भी करने का सोचती है तो उसके ऊपर सीधा केस होगा और कुछ नहीं। अब थोड़े टाइम बाद एक्वा होता है वो ताइजी के घर पे चला जाता है जहाँ पे ताइजी की मॉम बताती है कि ताइजी पूरी रात से काम कर
रहा है, इसलिए वो सो रहा है। और जैसे ही वो ताइशी के कमरे में जाता है, पता चलता है वो सही में सो रहा है। ताइशी उठ के होता है, वो एक्वा को बोलता है क्या तुम मेरे लिए थोड़ी एडिटिंग कर सकते हो। तो एक्वा बोलता है कि वैसे मैं मिडिल स्कूल में हूँ, जिस वजह से मैं काम नहीं कर सकता और ताइशी मुझे एक्स्ट्रा पे करता है, इसलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ताइशी एक्वा से बोलता है कि वाह तुम्हारी बहन भी आइडल बन रही है, काफी बढ़िया बात है। तो एक्वा उसे उल्टा रिप्लाई दे देता है, वो बोलता है कि जो भी हो पर तुम दोनों भाई बहन फाइनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आ गए हो। एक्वा बताता है उसने मेन लीड के काफी रोल है वो रिजेक्ट किया और ऊपर से वो सिर्फ साइड एक्टर के रूप में ही है वो काम करता है। एक्वा होता है वो अपनी मॉम के बारे में सोचते हुए बोलता है कि असल में वो बैकग्राउंड एक्टर इसलिए बना है क्योंकि उसे काफी ज्यादा कनेक्शन है वो बनाने और अपनी मॉम का बदला अपने बाप के साथ है वो लेना है, क्योंकि एक्टर्स और साइड एक्टर के कनेक्शन होते हैं वो सीधा होते हैं मेन एक्टर के साथ। वेल मेन एक्टर वो होते हैं जो पूरी मेहनत मशक्कत करके लोगों को एंटरटेन है वो करना चाहते हैं, बट वहीं एक्वा होता है वो साइड एक्टर होता है क्योंकि वो बोलता है कि मेरे पास तो कोई खास टैलेंट नहीं है अपनी मॉम की तरह और ऐसे सपने सजाने का फायदा ही क्या जिन्हें आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते हो। तभी ताइशी होता है वो बोलने लगता है कि देखो हिम्मत मत हार दो, वैसे भी तुम अभी मिडिल स्कूल में हो और तुम्हारा करियर अभी बहुत दूर है, बट जो बात मैं तुम्हें अभी कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुना और ध्यान से सुना क्योंकि मैं एक ही बार है वो बोलूंगा। और वो जब अपनी बात शुरू करने ही वाला होता है इतने में ही उसकी मॉम आगे दरवाजा खटखटा देती है कि बेटा खाना खा लो, पर वो अपनी मॉम को होता है वो बाहर निकालते हुए बोलता है कि मॉम हम बाद में बात करते हैं। ताइशी की मॉम के जाने के बाद ताइशी होता है वो हमारे लौंडे एक्वा से बोलता है कि तुम्हें अपने टैलेंट पे भरोसा रखना चाहिए। तो एक्वा बोलता है कि मेरे पास मेरी मॉम की तरह कोई भी स्पेशल टैलेंट है वो नहीं है। ताइशी बोलता है कि बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम जैसा कुछ भी नहीं है, बट शायद तुम्हारे पास जो है वो शायद तुम्हारी मॉम के पास भी नहीं था। ताइशी होता है वो एक्वा से बोलता है कि तुम तब तक हार मत मानो जब तक तुम अपना पूरा बेस्ट है वो नहीं दे सकते, वरना विजुअल में भागने का कोई मतलब भी है वो नहीं निकलता। और एक्वा को भी अपनी मॉम की लास्ट रेस याद आती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि एक्वा एक एक्टर बने। एक्वा जी कमजोर करके कहने लगता है क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ। इतने में ही फिर से उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है कि खाना खा लो। देन अगले दिन एक्वा होता है वो चला जाता है अपने स्कूल रूबी के साथ में, जहाँ पे रूबी होती है वो आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर है वो चली जाती है और एक्वा होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर आके बातें कर ही रहे होते हैं उनके साइड से एक लड़की गुजरती है और जैसे ही रूबी होती है वो एक्वा नाम लेती है, वो सुन के वहीं पे रुक जाती है और वो एक्वा से बोलने लगती है क्या तुमने मुझे पहचाना मैं हूँ काना। काना होती है वो एक्वा को अपने साथ आर्ट क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है, बट यहाँ पे वो दोनों सोचते हैं कि आखिरकार ये लड़की है कौन। पर फिर एक्वा कहता है कि नहीं मैंने दूसरा क्लब ऑलरेडी ज्वाइन है वो कर लिया है, मैं तो बस रूबी के साथ यहाँ पे आया था, जिससे उसे थोड़ी भी घबराहट ना। उसके बाद वो दोनों फुसफुसाने लगते हैं। जैसे उन दोनों को ये लड़की बिल्कुल भी है वो पसंद नहीं है, फिर भी काना उनकी बातों को अवॉइड करके हुए उनके सामने दोस्ती का हाथ होती है वो बड़ा डालती है, बट एक्वा उसे अवॉइड करके वहां से जाने लगता है, बट काना उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसको फॉलो करने लगती है। काना होती है वो एक्वा को पीछा कर रही होती है, इस वजह से एक्वा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। तो वो उससे पूरी उसकी जन्म कुंडली मांगने लगती है कि जैसे वो कहां रहता है, अभी भी एक्टिंग करता है या फिर नहीं। ये बात सुनते ही एक्वा बोलता है कि उसने तो काफी ज्यादा टाइम पहले ही एक्टिंग करना है वो छोड़ दिया है, बट काना उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही होती है, इस वजह से वो उसे बोलने लगती है क्या हम लोग कहीं प्राइवेट में चल के बात कर सकते हैं। पर ये सुनने में ही काफी अजीब लग रहा होता है, इसलिए एक्वा भी होता है वो सीधे सीधे बोल देता है कि सॉरी मुझे माफ करना बट मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। काना बोलती है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और ऐसे ही नॉर्मल कैफे में बैठ के बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और कोई ऐसी जगह भी नहीं है जो प्राइवेट रूम प्रोवाइड करे। ये सुनने के बाद एक्वा होता है वो सीधा काना को ले जाता है अपने भैया डायरेक्टर के घर पे यानी ताइशी के घर पे। ताइशी काना को देख के बोलता है कि काना तुम अभी भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो, ये जान के काफी ज्यादा दुख आई मिनट उसे खुशी हुई। अब काना होती है वो धीरे धीरे करके उसके पूरे कमरे को छानना शुरू कर दी। उसके बाद एक्वा से बोलते कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम एक्टिंग में नहीं हो, अगर एक्टिंग में नहीं हो तो एक डायरेक्टर के घर पे क्या कर रहे हो। एक्वा उसे बताता है कि अभी करंटली वो डायरेक्टर का असिस्टेंट है और बैकग्राउंड में ही है वो ज्यादातर है वो काम करता है, इस वजह से उसे कोई जरूरत है वो नहीं पड़ती। और काना ये बात सुन के काफी खुश होती है कि एक्वा अभी भी एक्टिंग लाइन में मौजूद है। देन वो लोग ताइशी के घर पे अच्छे से होते हैं, वो पेट पूजा है वो कर लेते हैं। पर ताइशी बोलता है काफी टाइम हो गया काना पर तुमने अभी तक खाने का मैनर नहीं सीखा। तो बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कब का छोड़ दिया जिस वजह से वो हमेशा ऑनलाइन फूड डिलीवरी पे निर्भर रहती है। ताइशी बोलता है इसमें तो काफी ज्यादा खर्चा होता होगा। तो काना बोलती है कि उसने एक्टिंग कर करके इतना पैसा जमा कर लिया है कि उसे खर्च करना मुश्किल है और वो हमारे डायरेक्टर से हमारे एक्वा की है वो एक्टिंग की क्लिप मांगता है। पर यहाँ पे एक्वा बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है इसको मेरी एक्टिंग की क्लिप देने की, समझे। एक्वा बोलता है कि उसने जितने पिक्चर की है वो बहुत ज्यादा गंदी वाली है, वो फ्लॉप हुई है। इसके बाद काना होती है वो बोलने लगती है कि वो कई पिक्चरों में फीमेल लीड है और उसका डेली कहीं ना कहीं घूमना जाना है वो रहता है, उस वजह से अब वो दो तीन शॉट उसके बाकी हैं और जहाँ पे कुछ रोल्स की है वो आवश्यकता है, क्या तुम उन्हें करना चाहोगे। एक्वा एक झटके में उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर डालता है। काना एक्वा को बताने लगती है कि असल में जिस पिक्चर में अभी काम कर रही है वो एक मांगा की है, वो लाइव एक्शन एडेप्टेशन है, इसलिए अगर तुम आओगे तो अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे वो फिर से मना करता है। तभी काना बोलती है क्या तुम्हें पता है कि उसके डायरेक्टर कौन है, मिस्टर मसाया काबुरागी।
ये बात सुनते ही एक्वा होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है कि ये इसने क्या नाम ले लिया। अब हमें बताया जाता है कि आई की डेथ के बाद हमारे एक्वा को उसके 3 मोबाइल मिले थे, जिसमें से एक उसका पर्सनल यूज के लिए था, एक ऐसे ही मतलब बातचीत करने के लिए, और एक था उसके ग्रुप के चैट एजेंसी के बातें करने के लिए, और तीसरे फोन का इस्तेमाल आई ने तब किया था जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। तो एक्वा द हैकर होता है वो लाइन में लग जाता है और काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद उस फोन को होता है वो ठीक कर लेता है, क्योंकि उसकी बैटरी ज्यादातर मिलती नहीं है कहीं पे। बस जब वो उस फोन को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर है वो पासवर्ड सेट है, जिसे खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। होता ये है इस फोन में कि जब भी एक्वा इसे खोलने की ट्राई होता है, वो करता है, नया पासवर्ड डालता है, तो वो गलत निकलता है, जिससे वो 30 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, जो कि हर फोन में होता है। अभी एक्वा होता है वो ट्राई कर करके दिन में 100 बार, महीने में 1000 बार, और ऐसे ही करके 4 साल बाद वो फाइनली उस लॉक को खोलने में कंफर्म मतलब पूरा फाइनली कर ही डालता है। एक्वा भाई दुकान पे चला जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। वेल फाइनली जब हमारे एक्वा ने उस लॉक को खोल रिया होता है, वो उस चीज के अंदर कॉन्टेक्ट चेक करने लगता है, तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी एजेंसी का नंबर है वाई के फोन में था, और कई बड़े डायरेक्टर के साथ उसके साथ एक नंबर था मसाया काबुरागी का। एक्वा को समझ आता है कि वो काना के जरिए मसाया तक है वो पहुंच सकता है, इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हारे शो में काम करने के लिए तैयार हूं, जिससे यहां पे काना काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, और काना तुरंत ही मसाया काबुरागी को उसकी फोटो भेज देती है, और उसे भी ये लड़का काफी पसंद आता है उसके अंदर, इसलिए वो भी उसे रोल देने के लिए तैयार हो जाता है। देन ये बात एक्वा मियाको को बताता है, और मियाको होती है वो हमारी रूबी को बताती है, जिससे वो खुश होती है कि एक्वा फिर से अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। रूबी ये सोच रही होती है कि एक्वा अभी अपने मॉम के सपने को पूरा करना चाह रहा होता है, वहीं दूसरी ओर एक्वा ये सोच चुका होता है कि उसे कुछ नहीं करना, बस उसे अपनी मॉम का बदला लेना है, इसलिए उस डायरेक्टर के करीब जाना तो बनता है। देन अब रूबी होती है वो मियाको से होती है, वो बोलने लगती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एक्वा किस शो में काम करने वाला है। देन वो उसे दिखाने लगती है, शो का नाम होता है आई विल गो विद यू स्वीट टुडे, जिसकी रेटिंग कुछ खास नहीं होती है, बट उसके पहले 4 एपिसोड आ गए हैं और 2 एपिसोड बाकी हैं। वेल अब हमें यहाँ पे एक्वा का रोल बताया जाता है कि उसे इस मूवी या फिर एपिसोड्स में करना क्या है, तो वो उसके लास्ट एपिसोड में आने वाला है एज अ विलन उन लोगों के सामने, उनके प्यार मोहब्बत को खत्म करने के लिए। अब रूबी शो के वो जानने के लिए एक्साइट हो जाती है, देन वो मियाको से बोलती है कि क्या तुम मुझे इसके 4 एपिसोड दिखा सकती, और वो जैसे ही देखना शुरू करते हैं कुछ मिनटों बाद उनका रिएक्शन बहुत गंदा होता है। रूबी मियाको से बोलती है कि मैंने सीरीज की मांगा पढ़ी है, बट इस मूवी की स्टोरी है वो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो मियाको यहाँ पे रूबी को समझाने लगती है कि देखो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है, मान लो अगर किसी चीज पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो उसे काट कुट के वो छोटा कर दिया जाता है। वेल ये धंधे की बात है, ये होता रहता है। अगले दिन एक्वा होता है वो काना से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि शो में उसे क्या किस तरीके से कर रहे हैं। काना यहाँ पे बताने लगती है जो शो है वो नॉर्मली लड़कियों के लिए बनाया गया, जो एकदम खूबसूरत लड़कों के प्यार में गिर जाती है, ऐसे ही करके उन्होंने काफी अच्छे अच्छे मॉडल को हायर है वो किया है, और काना भी होती है वो एज लीड ले ली गई है, मतलब थोड़ी सी प्यारी सी शक्ल का जादू है। वहीं पे एक्वा बोलता है पर तुम्हारी एक्टिंग इस शो में इतनी ज्यादा खास भी नहीं है, तो यहाँ पे वो बोलने लगती है कि मैं सिर्फ होल्ड बैक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेल लीड हैं वो इतने ज्यादा बेकार हैं कि मैं क्या बताऊँ। काना बोलने लगती है कि अच्छी एक्टिंग और अच्छे शो में फर्क होता है, मान लो अगर शो की डिमांड है कि इस कैरेक्टर को बहुत घटिया एक्टिंग करनी है तो वो करना पड़ेगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता, और ऑडियंस के लिए तो भैया कुछ भी। अब काना होती है वो एक्वा को स्क्रिप्ट दे देती है कि तुम इसे पढ़ लेना आराम से और रिहर्सल कर लेना, क्योंकि मुझे तुमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा ही है, वो हाई है, मतलब बाकी एक्टर से ज्यादा, मुझे तुम पे भरोसा है सैया जी। वेल एक्वा को अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं होती है, फिर भी अब वो पूरी जी जान लगा के घर पे जाता है, एपिसोड देखता है और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना है वो शुरू कर देता है। अगले दिन वो लोग सेट पे पहुंच जाते हैं, बट बारिश के कारण अभी तक वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आए होते हैं, इस वजह से काना होती है वो सभी को इंट्रोड्यूस करने लगती है हमारे एक्वा को, इनका ये नाम है, इनका ये काम धंधा है यहाँ पे, और सेट पे शूटिंग शुरू होने से पहले सिर्फ हमें यहाँ पे एक बार रिहर्सल करने का टाइम है वो दिया जाएगा। एक्वा काना से वहाँ के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन होता है वो लेने लगता है, इतने ही देर में वहाँ पे उस सीन का मेन लीड यानी मेल्ट नारुशिमा होता है वो आ जाता है। काना एक्वा को नारुशिमा से वो इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, बट वो लौंडा एकदम एटीट्यूड में होता है, वहाँ से होता है वो चला जाता है, और वहीं दूसरी ओर वहाँ पे आ जाते हैं सोचो कौन, मसाया काबुरागी, जो उसे देखते हैं और उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, हालांकि एक्वा उन्हें अच्छे से ग्रेड करता है, बट वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चले जाते हैं। वेल एक्वा को यहाँ पे मसाया पे ये शक होता है कि शायद उसकी मॉम की डेथ के साथ इस बंदे के कोई भी रिलेशन है वो हो सकते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि कैसे भी करके उसे इसके डीएनए सैंपल कलेक्ट करने होंगे। वेल थोड़ी देर में यहाँ पे रिहर्सल होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पे एक्वा होता है वो एक साइकोपैथ किलर का रोल होता है वो कर रहा होता है। वेल एक्वा की एक्टिंग शो में 4 जान लगाने के लिए काफी होती है, बट वो जब रिहर्सल आगे बढ़ाए उससे पहले ही लीकेज हो जाती है रूफ से, जिस वजह से ये एक्टिंग अभी फिलहाल के लिए स्टॉप करनी पड़ती है। जब एक्वा आराम फरमा रहा होता है तभी काना आगे उसकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करने लगते है कि अभी तक वो कुछ नहीं बदला है। एक्वा बोलता है ये नॉर्मल सा रोल था, कोई भी कर सकता था, उसमें मैंने कुछ खास है वो नहीं किया। और एक्वा को वो दिन याद आता है जब काना ने उसकी एक्टिंग पहली बार देखी थी, मतलब वो एक एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी चीज लग रही थी। मतलब एक्वा की एज कुछ और है, उसका माइंड कुछ और है। एक्वा होता है वो अपनी करंट एज में अपनी बॉडी और अपने माइंड को स्टेबल कर पा रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। बट स्टिल हमारा लौंडा तो सिर्फ एक डॉक्टर ही है। काना होती है, वो बोलने लगती है कि हालांकि मैं मानती हूँ कि तुम अपने आप को कुछ नहीं मानते हो, बट जो स्किल्स तुम यूज करते हो एक्टिंग के दौरान वो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मतलब एक नॉर्मल एक्टर तुम्हें देखे तो वो नहीं समझ पाएगा, बट मेरी तरह एक्सपीरियंस वाला बंदा हाल समझ जाता है। एक्वा मस्ती करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो काफी ज्यादा साल से इंडस्ट्री के अंदर जो बैठी हो। तो काना बताने लगती है कि असल में उसके भी काफी ज्यादा बुरे दिन आए थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसे बिल्कुल ही काम नहीं मिला था, बट उसने हार नहीं मानी, अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेटर किया और एक्टिंग में इतनी ऊपर आ गई कि अब उसे लोग उसकी एबिलिटी की वजह से जानते, ना कि उसकी वजह से। और काना यह भी बोलती है कि वो इस इंडस्ट्री में रहने के लिए जो मर्जी तय करने के लिए तैयार है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है मसाया को, जो भी हम आप पे काना की तारीफ कर रहा होता है कि हाँ काना काफी ज्यादा बढ़िया एक्टर है। अब मसाया होता है वो खोपचे में बात कर रहा होता है कि देखो यार काना इतने ज्यादा बुरी एक्टर भी है वो नहीं है, हम उसे किसी भी रैंडम रोल के लिए कभी भी है वो पकड़ सकते हैं, और उसकी फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है कि उसे ऐसा लेना मुश्किल हो। वेल ये मूवी की अर्निंग हमें हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मूवी तो हमने सिर्फ अपने मेल लीड्स को होती है वो प्रमोट करने के लिए बनाई थी। अब ये मूवी चाहे फ्लॉप हो या हिट हो हमें क्या ही फर्क करने वाला है। और इतने में हमें पता चलता है कि एक्वा ये सारी बातें होता है वो छुपके सुन रहा होता है। एक्वा होता है वो बोलता है कि इसी वजह से मुझे कोई भी इंडस्ट्री ज्यादा पसंद नहीं है जहाँ पे मेहनती लोगों को कुछ नहीं समझा जाता है, बल्कि अपने फायदे का इस्तेमाल जब तक हो सकता है करो। मतलब बारिश होती है, वो एक्वा होता है वो चारों तरफ देख रहा होता है कि कैमरा कहाँ है, किस एंगल में रखा गया और यहाँ पे अब क्या होने वाला है। वेल एक्वा के यहाँ आने का मेन टारगेट होता है डीएनए कलेक्ट करना, जो कि वो ऑलरेडी कर चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि काना जिस काम के लिए उसे यहाँ पे लाई है यानी एक्टिंग करने के लिए वही क्यों ना कर ली जाए। वेल पहला ही शॉट होता है वो काना का होता है, और काना बेस्ट देने का ट्राई करता है बंद हो गया, क्योंकि लोगों ने बोल दिया कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, फालतू में कर रही है, उसको ट्रोल किया जाता था हर बार। अगर उसे कभी नए प्रोजेक्ट भी मिलते थे तो उसको भी होते हैं वो बिगाड़ दिए जाते थे उसके फैंस के द्वारा या फिर हेटर्स के द्वारा। काना यहाँ पे अपना बेस्ट देना जा रही होती है, क्योंकि ये जो सीन शूट हो रहा है वो एक सीन या फिर कहें पूरे सीजन का एपिसोड का होता है, वो आखिरी सीन होता है जिसका मेन टॉपिक ये होता है कि इस शो का जो मेन एमसी होता है वो स्टॉकर को पीटेगा, उसकी खाल उधेड़ देगा और लड़की की रक्षा करेगा, लड़की रोएगी वही रंडी रोना। अब काना होती है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरीके से होती है वो रेडी हो चुकी होती है। वहीं पे अब वो अपनी एक्टिंग कोई फील ना कुछ और वो उसके ऊपर ऐसे ही रिएक्ट कर रहा होता है। काना को भी लग रहा होता है ये भंडा आदमी यहाँ पे आ कैसे गया। अब सारा काम तो हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी एक्वा द ग्रेट को ये दम उठाई हो जाए, जो कि अपना रोल एकदम परफेक्टली कर रहा होता है हमारा एक्वा। काना जैसे देखती है कि एक्वा अपना बेस्ट दे रहा है तो वो भी अपना बेस्ट देने का डिसाइड करती है। वहीं पे दूसरी ओर एक्वा समझ चुका होता है कि इस मेन लीड से तो कुछ नहीं होने वाला, उसे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो करीब जाता और उसके कान में कुछ ऐसा कह देता है कि उसकी जल जाती है। वो कहता है बे साले बसूरत आदमी, तू तो अपने फिल्टर के बिना साले तेरा चेहरा भी चेंज कर दिया मांगा के हिसाब से। तो जो एडिटर बोलने लगती है कि कुछ भी हो उसने बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है तो हमें से काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्टिंग है वो एक्वा ने स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं की, बल्कि उसने एक नेचुरल एक्टिंग की है जो कि हमें चाहिए थी। और वो ये भी कहती है कि काना ने भी इस बार अपना पूरा बेस्ट दिया है। अब हमें दिखाया जाता है जिसने शो की मांगा लिखी थी उनके असली राइटर या फिर कहें जो भी हो ऑथर को, जहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि देखो जो हमारी मांगा का फाइन करके उसके अंदर वो फाइनल एपिसोड देखने लगती हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा ये होता है वो बेटर लगता है हर एपिसोड से। एक्वा और काना की नेचुरल के साथ एंट्री मारती है और वो तो बोल रही होती है कि हमें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, अगर यह सीरीज के बारे में कुछ भी गलत होता है तो हम लोगों पे नाम आएगा। अब काना इस बात को साइड में रखे पूछती है एक्वा से क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो एक्वा सीधे सीधे बोल देता है कि ना जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ना है, मुझे से कोई मतलब भी ना है। और अच्छी तारीफ मिली होती है इस वजह से वो खुशी के आंसू रो डालती है। ऑथर होते हैं वो एक्वा से बोलने लगते हैं कि अगर तुम हमारे शो में पहले आ जाते तो ये एक ज्यादा ग्रैंड सक्सेस रखते हैं, कि वैसे भी हमने ये शो होता है वो अपने न्यू कास्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया था, ना कि हमने कुछ पब्लिसिटी के लिए, बट फाइनली हिट है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। वेला एक्वा बताने लगता है कि जब उसने मसाया के सलाइवा का डीएनए टेस्ट करवाया तो उसे पता चला कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, पर एक्वा को होता है वो मसाया पे काफी शक होता है इसलिए उसने ये टेस्ट करवाया होता है, बट ये फेल हो गया तो की सारी एक्सपेक्टेशन मर गई होती है। को कैसे जानते हो, तो बताने लगते हैं। मसाया बोलता है मैं क्यों बताऊं। मसाया बोलने लगता है कि अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, यानी मैं एक डेटिंग शो बना रहा हूं, अगर तुम उसके अंदर काम करते हो तो मैं शायद तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि ये सब फालतू चीजें करने के लिए। रूबी मीनामी से पूछती है क्या तुम एक्वा की दोस्त बनोगी, वो तुरंत ही होती है वो मान जाती है, बट एक्वा बोलता है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना, मेरी जिंदगी में क्यों दखलअंदाजी कर रही हो, वैसे भी यहाँ कोई मुझसे दोस्ती करने के लायक भी नहीं है। तभी यहाँ पे रूबी बोलने लगती है कि तुम्हारी गलतफहमी, क्योंकि यहाँ पे
एक लड़की है जिसका नाम है फ्रिल शिरानोई, वो तुमसे ज्यादा ये वो हर चीज में अच्छी, जैसे डांस, सिंगिंग और बाकी सारी। कि रूबी यहाँ पे फ्रिल की कितनी ज्यादा बड़ी वाली पंखी होती है, और अचानक से हमें पता चलता है कि फ्रिल उनके साइड से ही गुजर रही होती है। एक्वा उसे देखता है और सीधे उसके पास जाता है। एक्वा बोलता है क्या तुम मेरी बहन की दोस्त बनोगी। तभी हमें पता चलता है फ्रिल यहाँ पे मिनामी और एक्वा दोनों को जानती है, क्योंकि वो दोनों आना को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शो की इतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस के बाद काफी पॉपुलर हो गई होती है और सभी से अपने रिव्यूज है वो ले रही होती है और सभी लोग उसे अच्छे रिव्यू दे रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। काना को यह भी पता चलता है कि सभी लोग एक्वा की भी काफी तारीफ कर रहे होते हैं, हालांकि उसके पास एक्सपीरियंस कम है बट वो एक अच्छा एक्टर है। काना एक्वा के बारे में सोच के ब्लश कर ही रही होती है, इतने में एक्वा मैसेज करता है कि उसे उससे अकेले में कुछ बात करनी है तो कृपया करके यहाँ पे आ जाओ। और ये सुनते ही उसे लगता है कि शायद एक्वा उसे आज प्रपोज करने वाला है। देन काना होती है वो सच के सवर के तैयार हो जाती है, और वो जब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसे एक्वा ने नहीं बल्कि रूबी ने बुलाया होता है। रूबी होती है उससे बोलने लगती है कि काना क्या तुम हमारे प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन करना चाहोगी, अगर तुम आओगी तो हमें काफी ज्यादा ये वो खुशी होगी। तो काना बोलती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बट काना सोच रही होती है अगर उसने ये जो भी आइडल वाइडल का शो ज्वाइन किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट उसके एक्टिंग करियर में वो ज्यादा लगेगा। वेल मनी मैंने उसका जवाब नहीं था, बट एक्वा जब उससे एक टांग पे बैठ के बोलता है तो वो तुरंत मान जाती है और उससे जल्दी से जल्दी साइन करवा ली जाती है। वेल अब इन लोगों के काम के साथ हमें एक्वा का काम भी दिखाया जाता है, जो अपनी एक्टिंग होता है वो शुरू कर चुका होता है मसाया के रियलिटी शो के अंदर। मसाया ने एक्वा से बोला होता है कि आई किस बंदे को डेट कर रही थी वो उसे तभी बताएगा जब शूटिंग खत्म हो जाएगी पूरी। एक्वा के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अपने बाप को ढूंढने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं, अगर बाप को ढूंढेगा तभी वो रास्ते पर्दा उठा पाएगा। अब हमें रूबी और काना को दिखाया जाता है जो कि टाइम पास कर रही होती है। तभी रूबी बोलती है कि वैसे तुम्हारे पास अभी फिलहाल तो कोई एक्टिंग वाली जॉब नहीं है तो तुम कर क्या रही हो। तो काना सीधे समझ जाती है कि रूबी यहाँ उससे पढ़ने के लिए बोल रही होती है, जिससे काना पढ़ाई में अच्छा करे और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले। तभी मिया को वहाँ पे आती है और वो बताने लगती है कि आइडल को कई बार सिंगिंग, डांसिंग या फिर कहें मीडिया के अंदर भी होती है वो जॉब मिल जाती है। पर काना यहाँ पे बोलने लगती है कि आखिरकार हम लोग उखाड़ ही करेंगे, हमने तो अभी तक अपने ग्रुप का नाम तक है वो नहीं सोचा, ना ही हमारे पास खुद का कोई सॉन्ग है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन में हेल्प करें। रूबी बोलने लगती है कि काना इतनी आलसी है कि वो ग्रुप का नाम ढूंढने हेल्प नहीं करती है। तो काना बोलने लगते हैं कि हम अपने ग्रुप के बिना किसी हिस्ट्री के हम उसका कैसे कोई नाम रख सकते हैं। तभी मियाको होती है वहाँ पे अपने कैमरा के साथ होती है, वो प्रकट हो जाते हैं, वो बोलने लगती है कि पहले के लोग होते थे वो अपने कॉन्सर्ट या सभी को प्रमोट करने के लिए पैम्पलेट बांटा करते थे, बट अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पर रिसेंट टाइम में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहाँ पे बंदे अपने आप को कितना भी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। बट काना बोलती है कि उसके लिए भी हमें किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे अपनी बहुत ज्यादा फॉलोइंग चाहिए होती है। तभी मियाको बोलती है उस चीज की तो बिल्कुल भी टेंशन मत, क्योंकि जो हमारी कंपनी होती है स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन वो काफी ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर के होते हैं, वो अकाउंट मैनेज करते हैं। यहाँ पे मिया को इसका भी जुगाड़ कर चुकी होती है, उसने पायोंग नाम के एक बंदे को बुलाया होता है जो कि एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर होता है यूट्यूब पे। रूबी उसे पहले से जानती होती है जिस वजह से वो उसकी तारीफ करने लगती है, पर काना को ये बंदा अभी भी वेस्ट लग रहा होता है। जब तक उसने पायोंग ने अपनी इनकम नहीं बताई होती पूरे साल की, वो बोलता है कि मैं इतना कमाता हूँ तेरे जैसी सात पुश्तें एक बार में खरीद लूं, समझी लड़की। अब यहाँ पे काना भी उसकी बात सुनने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद पायोंग होता है वो बताने लगता है कि देखो यहाँ पे हम जो तुम्हारा काम करने वाले उसमें काफी डिफिकल्टीज आने वाली। पायोंग बताने लगता है कि वो उन लोगों की फॉलोइंग बढ़ाने में उनके यूट्यूब चैनल से तो हेल्प है वो कर सकता है, बट इनको एक फायदा नहीं होगा क्योंकि वो अपने चैनल पे ज्यादातर अपनी वीडियो होता है वो मास्क पहन के डालते हैं, जिस वजह से जब वो लोग अपना फेस रिवील करेंगे शायद पता नहीं क्या इम्पैक्ट पड़े। तभी पायान होता है वो उन लोगों से उनके ग्रुप का नाम पूछने लगता है, तो यहाँ पे काना बोलती है कि रूबी तुम्हें कुछ सोच के है वो बता दो। काफी सोचने के बाद रूबी अपने ग्रुप का नाम भी कामची होती है वो रख देती है, जिसके बाद वो लोग होते हैं वो अपने बहुत ज्यादा कोशिश करने लगते हैं अच्छे से वीडियो बनाने के लिए, जिससे वो अपने आप को प्रमोट कर सके। वेल एक्वा भी अपने शूटिंग है वो शुरू कर चुका होता है रियलिटी डेटिंग शो की, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम यूकी होता है वो हर तरीके के कर्म कांड कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि लोगों को क्या देखना है, क्या रोना धोना देखना है। उसके रोने धोने की वजह से उसने काफी ज्यादा अच्छी फैन फॉलोइंग बना ली थी, एकदम डिसेंट सी। वेल इस चीज से उसके व्यूअर्स को छोड़ के हमारे जो एक्टर भी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए होते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को अपने वश में कर लेती है। एक्वा यूकी की स्किल से काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि किसी को अच्छे से अपने वश में करना ये एक आसान बात नहीं होती, जिसके लिए काफी ज्यादा मेहनत और इमोशन चाहिए होते हैं। एक्वा शो के अंदर सभी को काफी ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहाँ पे एक और एक्टर होती है जिसका नाम होता है अकेन, जो कि हर तरीके से फेल हो रही होती है, लोग उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं, हर बार वो पीछे छूट जाती है कि जैसे शो में उसका कोई भी रोल ही नहीं है। वेल जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है ये स्टोरी होती है यूकी और नोबुयुकी के बीच की रिलेशनशिप के बारे में, और वो दोनों ही अपनी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं, जिस वजह से ये शो होता है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो चुका होता है। बस फर्क बस इतना होता है कि यहाँ पे हमारी लड़की होती है अकाने, उसको हमेशा अकेला छोड़ दिया जाता है, जैसे वो सेट पे बिलोंग ही नहीं करती है। इवन अकाने के पापा भी होते हैं वो उसकी इस प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा ही दुखी होते हैं कि उनकी लड़की इतना ज्यादा धीरे कैसे प्रोग्रेस कर रही है, जिसके लिए वो उसके मैनेजर
मैनेजर को डांटते हैं। इवन अकाने को यहाँ ये भी नहीं पता होता है कि आगे चल के उसे क्या करना है, जिस वजह से वो शो के बीच में केंगो से अपनी रिलेशनशिप होती है वो ज्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं, जैसे उसके ज्यादा करीब आना। बट यहाँ पे आयुकी होती है वो अटेंशन सीकर होती है, जिस वजह से वो केंगो को हमेशा अपने साथ है वो रखना चाह रही होती है, जो कि हमारी अकाने को काफी ज्यादा चुभता है, जिस वजह से वो केंगो को होती है वो एक बार के लिए पकड़ने दौड़ती है। वे अकाने को भी कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिरकार वो कर क्या रही है, बट स्टिल वो भागती है और उसका नाखून होता है वो गलती से युकी के गाल पे होता है वो लग जाता है। वे अकाने का नेल उसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि अब कमेंट में ये बातें चलने लगती हैं कि यहाँ पे अकाने रहती है वो युकी से काफी ज्यादा जेलस होती है, जिस वजह से वो युकी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और युकी की ऑडियंस ऐसी बन चुकी होती है जिसे सिर्फ युकी के रोने धोने से ही मतलब होता है। जब भी अकाने उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करती है उसकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा जवाब ही नहीं होता है। अकाने होती है वो डिसाइड करती है कि वो सबके सामने पब्लिक में ये कन्फेस कर लेगी कि जो उससे हुआ था वो सिर्फ एक गलती थी, उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। बट अकाने जैसे ये करती है और भी उल्टा पड़ जाता है, लोग अकाने के सर्कस से और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये लड़की कर क्या रही है। तभी एक दिन अकाने होते लेटी होती है तो उसे याद आता है कि मैमचो ने उसे एक बार कहा होता है कि अगर बंदा होता है वो बिना बात के किसी से सॉरी बोल देता है तो लोगों को लगता है कि सच में उसने कोई ना कोई गलती की होगी, जिस वजह से वो माफी मांग रहा है। अकाने के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिस वजह से दिन ब दिन जो उसे ताने मिलते थे उसे अवॉइड करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, जिस वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इनफैक्ट उसके स्कूल के अंदर भी ये आलम हो गए थे कि सभी लोग उससे चिढ़ रहे होते हैं, सभी लोग उससे बहुत ज्यादा बुरा बिहेव कर रहे होते हैं। वेल, अब सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट ऐसे चलने होते हैं कि अकाने ने एक्टिंग होती है वो इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसे पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है वो नहीं है। अकाने को इस बात से काफी ज्यादा फर्क होता है, वो पढ़ता है, बट वो बोलती है कि अब जो होगा समय के हिसाब से होगा, समय के साथ सब लोग है वो भूल जाते हैं, तो वो ये कह के सबको छोड़ देती है। पर दिन ब दिन ये आग होती है वो और भी ज्यादा भड़क रही होती है, अकाने के खिलाफ काफी ज्यादा नए नए कंटेंट लाए जाते हैं। इस डेटिंग शो का एक एपिसोड होता है वो अकाने के लिए पूरा लाइफ चेंजर होता है, वो बन चुका होता है, उसका पूरा करियर दांव पे लग गया होता है, जिस वजह से वो पूरी टूट गई होती है। अकाने की आंखों के सामने से उसके सारे सपने उसे टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसलिए वो पूरा टूट गई होती है। ऊपर से कास्ट के सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे युकी को सपोर्ट करते हैं, जो कि अकाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि बचपन से ही उसे हर काम होता है वो अपने लिए खुद से करना पड़ा होता है, उसके पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जब इतनी मेहनत के बाद भी आपको नफरत मिले बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से अकाने होती है वो सोचती है कि अब उसे अपनी जिंदगी होती है वो खत्म कर देनी चाहिए। क्लियर वर्ड उसे नीचे उतार लेते हैं और उसकी वहाँ पे जान बचा लेते हैं। एक्वा बोलता है जब वो घर जा रहा था तब उसे अचानक से मैमचो का कॉल आया कि अकाने अभी तक घर पे नहीं आई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के क्या कर रहे हो। अब हमें काना को दिखाया जाता है जो कि एक आर्टिकल पढ़ रही होती है, जहाँ पे लिखा होता है कि 18 के नीचे वाले जो एक्टर होते हैं उन्हें सोशल मीडिया के जरिए काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है और डिप्रेशन में ला दिया जाता है, अब उन सभी को करना पड़ रहा है। रूबी होती है वो एक्वा के बारे में बताने लगती है कि एक बार उसने कहा था कि कई बार सच बोलने से बेटर ये होता है कि इंसान झूठ बोले और बच जाए अगर तुम सच्चे हो तो, और काना भी इस बात पे एग्री करती है। पॉइंट निकलता है सुसाइड वाले पॉइंट पे जो कि ऑलरेडी हमारी अकाने तो कर ही चुकी है। काना बोलने लगती है कि यहाँ पे आजकल ऑनलाइन जो न्यू एक्टर है उन्हें बहुत ज्यादा ही है वो मेंटली प्रेशर किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, बुली किया जाता है। ये बात सुनते ही हमारी रूबी को होते है वो चिंता होने लगती है एक्वा की, वो अपनी बात की अभी वो मैंड से बोलने लगती है कि तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, तो अकाने बोलने लगती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी स्टेट में जिस स्टेट में मैं हूँ। मियां को होती है वो अकाने को बचाने के लिए एक्वा की तारीफ करती है, एक्वा बोलते है इसमें मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है बल्कि व्यूअर की देखने की नजरिया है। तभी अचानक से वहाँ पे एक्वा के शो के सारे बंदे होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे मिलने के लिए। युकी होती है वो धड़ाम से यहाँ पे अकाने के चेहरे पे थप्पड़ मारती है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम्हें सबसे पहले हमारे साथ डिस्कस करना चाहिए था, ना कि कोई डिसीजन लेना चाहिए था। एक्वा अकाने से बोलता है क्या तुम शो को कंटिन्यू करना चाहते हो या क्विट करना चाहते हो। तभी अकाने बहुत प्रेशर झेला, अगर ये इतनी जल्दी यहाँ सब पे खत्म हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, मैं इतनी जल्दी तो हार है वो नहीं मान सकती, और ऊपर से चाहे कोई कुछ भी कहे इस बार तुम्हें क्विट करने के बारे में और डायरेक्टर्स की होती है। वेल, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक में क्या चल रहा है, अगर उन्हें पैसे मिल रहे तो वो अपना मुंह बंद रखेंगे। वैसी बात नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है, सब कुछ उन्हें पता होता है, सब कुछ उनके सामने होता है, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्टर मौजूद है और ये सारी बातें कल न्यूज में भी आने वाली हैं। पर इसका प्रॉफिट होगा तो पता चलता है कि असल में वहाँ पे अकाने की न्यूज आई है, तुम्हारी ये तरकीब तो बिल्कुल भी है वो काम नहीं आई। तभी एक बार बोलने लगता है कि ये तो सिर्फ बिगनिंग है, अभी गेम तो शुरू हुआ है, लोगों को सच में रियलिटी शो देखना है तो देन मैं एक ऐसा रियलिटी शो देखूंगा जिसे देख के वो हैरान हो जाएंगे। और अगले सीन में ही हमें पता चलता है कि इस न्यूज से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है, कोई उन्हें अभी भी बुरा समझ रहा होता है, कोई अच्छा भी नहीं समझ रहा होता है, और वहीं पियकड़ों के बीच में एक ठेका खोल देना, सब लोग उसके ऊपर ही झपटेंगे और कुछ नहीं होगा। आई नो मैंने एग्जांपल थोड़ा ज्यादा वियर्ड दिया है। स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, मैमचो बोलने लगती है कि बट इस सीन में होता है मेन ये कि अगर बंदे की वीडियो एडिटिंग वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो सब लोग उसकी वीडियो समझाने लगते हैं कि वो इससे उसे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, समझो इस बात को। अब थोड़ी देर बाद जो एक्वा होता है वो पहुंच जाता है केंगो के पास और सारा प्लान उसे समझा देता है, और वो बोलता है कि क्या तुम इस वीडियो के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तैयार कर सकते हो, और वो इस चीज के लिए रखती है। देन वो उसके पास पहुंच जाता है डायरेक्टर के पास और उसे बताने लगता है कि उसे शो की रॉ फुटेजेस चाहिए, पर वो उसे सीधा मना कर देता है क्योंकि इससे इस शो की रेपुटेशन पे सवाल उठने लगेगा। और ऊपर से
ये तो एक रियलिटी शो है, सभी लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखने के लिए आते हैं और लोगों का इसी में इंटरेस्ट है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अकाने को कुछ भी करने के लिए फोर्स किया गया हो, उसने पूरी सहमति के साथ अपना काम किया है, जो भी उसकी मर्जी आई उस हिसाब से। एक्वा ये बात सुनने के बाद होता है वो डायरेक्टर को बोलने लगता है कि आपको ये बात समझ नहीं आती कि आपके पास जो काम करते हैं उनकी उम्र सिर्फ 16 से 17 साल है, अगर उनके ऊपर कुछ भी बीतती है तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनका फायदा उठाना चाहिए। देन डायरेक्टर होता है वो रियलाइज करता है कि वो आखिरकार कितना ज्यादा है वो गलत कर रहा है, और अकाने के बारे में सोचते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें रॉ फुटेजेस देने के लिए एकदम है वो तैयार हूँ। और एक्वा होता है वो बिना कुछ दिन नींद लिए अपना काम होता है वो शुरू रखता है और पूरी मेहनत के साथ उस वीडियो को एडिट करता है और फाइनली डन कर देता है, और सभी लोगों से फोर्स करते हैं कि चलो बेटे अब इसे अपलोड करने का वक्त भी आ चुका है। एक्वा थोड़ी नींद चाह रहा होता है बट सभी लोग बोलते हैं कि बाद में भी हो सकता है, ये देखिए अकाने होती है वो एक तरीके से मेरी राइवल है, बट हाँ वो सच में काफी ज्यादा क्रिएटिव और टैलेंट वाली लड़की है। अब शूटिंग का फाइनल डे होता है जहाँ पे अकाने होती है वो सेट पे पहुंच जाती है, तभी एक्वा भी आके अंदर घुसने लगता है कि जैसे आज कोई नॉर्मल ही डे हो, तभी अकाने उसे पीछे से बुलाती है। एक्वा उसे देखता है तो पता चलता है कि उसके अंदर आई की झलक दिख रही है, मतलब रंग रूप चाल। एक्वा होता है वो अकाने को देख के पूरी तरीके से हिल चुका होता है कि मानो जैसे सामने आई खड़ी हो, तभी अकाने बोलने लगती है क्या हुआ एक्वा तुम्हारे सामने कोई भूत खड़ा है कि तुम इतना ज्यादा ध्यान से देख रहे हो। तभी वहाँ पे बाकी के लोग भी होते हैं वो आ जाते हैं जो कि उसका वेलकम करते हैं वहाँ पे शूटिंग पे आने के लिए, पर वो अकाने को इस तरीके से देख के खुद काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि अकाने डिफरेंट ही लग रही होती टोटली। क्योंकि अकाने से पूछती है कि आखिरकार तुम ये क्या लग रही हो पता ही नहीं चल रहा। अकाने उसकी बात को काटते हुए बोलती तुम्हें पता चला कि मैंने किसका रोल किया, तुमने पता चला। आंख मारते ही सारे लोग उसी की तरफ होते हैं, वो फोकस हो जाते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा अच्छे से आई के कैरेक्टर को अडेप्ट कर चुकी होती है, मानो जैसे सामने अकाने नहीं बल्कि आई ही खड़ी हो। अब अकाने होती है वो एक्वा को थैंक यू बोलने लगती है क्योंकि उसने पूरी रात भर जाके वीडियो एडिटिंग की, वीडियो अपलोड की, जिससे उसका करियर फिर से ट्रैक पे आया है। थोड़ी बात मैमचो होती है वो बोल रही होती है कि यहाँ पे एक्वा काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है जब से उसने अकाने के इस टाइप ऑफ पार्ट कैरेक्टर को देखा है। चेक करने के लिए वो हमारे एक्वा से बोलती है एक्वा तुम्हारे पास जो पाउच रखा है वो मुझे दोगे क्या। एक्वा सीधे सीधे मना कर देता है। जब अकाने ये बात सेम उससे कहती है तो तुरंत ही हमारा एक्वा खड़ा होता है पाउच उठा के मैमचो को दे आता है, जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि राधे भैया फंस गए बामन की लड़की के चक्कर में। एक्वा और अकाने का मजा लेने के लिए वो लोग होते हैं वो एक दूसरे को पास है वो ले आने लगते हैं और पूछते हैं एक्वा से एक्वा तुम्हें ये कैसी लगी। एक्वा होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी ब्लश कर देता है और वहां से तुरंत ही भाग जाता है। अब जिससे उन दोनों को तो ये फाइनल हो जाता है कि एक्वा के दिल में अकाने के लिए कोई फीलिंग है। तो अकाने से पूछने लगते हैं कि अकाने मान लो अगर एक्वा तुम्हें होता है वो प्रपोज करता है तो तुम्हारा क्या ऑफर होगा, मतलब क्या हाँ या ना। अकाने भी बोल देती है कि अगर वो प्रपोज करता है तो जवाब बिल्कुल हाँ होगा। ये वो दोनों भी काफी ज्यादा ये वो खुश हो जाते हैं। उनके घर का सीन होता है वो दिखाया जाता है जहाँ पे काना होती है वो बोल रही होती है रूबी से अब हमें ये शो देखना बंद करना चाहिए क्योंकि किसी और की लव लाइफ देखने में मुझे बिल्कुल भी ज्यादा है वो मजा नहीं आता और बहुत ज्यादा बेकार ही लगता है। ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे अकाने से जेलस होती है क्योंकि वो एक्वा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। बोलती है कि एक्ट्रेस को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो ऐसी हरकतें करे। उसके बाद रूबी भी होती है वो सीधे लैपटॉप पे देख रही होती है कि अकाने ने उसकी मॉम की एक्टिंग एकदम अच्छे से वो की होती है। पहले एक्टिंग से मेरा मतलब उसने कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से अडेप्ट किया होता है। तभी हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठ के सोच रहा होता है कि आखिरकार वो आई को जानता ही कितना है, पैदा किया है वो उसके साथ कई साल होता है वो बिता चुका है बट वो उसके बारे में इतना नहीं जानता। हो सकता है आई ने उसे आज तक जो बोला वो सब झूठ हो। आखिरकार भाई को मानता क्या है आइडल या माँ। काना होती है अपने स्कूल में होती है वो जा रही होती है तभी रास्ते में दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं। एक्वा और अकाने की जोड़ी है ना वो बहुत ज्यादा ये वो अच्छी है। मुझे तो ये तक लगता है कि फाइनल शो के एपिसोड में होता है वो लोग होंगे किस करेंगे और उसके बाद उनकी जोड़ी जमी रहेगी। ऑब्वियसली बात है काना एक्वा को पसंद करती है जिस वजह से उसकी थोड़ी बहुत होती है वो जल जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है। तभी एक्वा होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उससे बोलता है काना क्या तुम मेरे साथ बंक करके कहीं बाहर घूमने चल रही हो। और ये बात सुनते ही काना की खुशी के है वो ठिकाना नहीं रहता है। यानी वो रास्ते में सोचती है कि आखिरकार उसे कहाँ जाना चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में या किसी थिएटर में। तभी एक्वा बोलता है कि फिलहाल हम स्कूल ड्रेस में तो ऐसे हम कहीं जा भी नहीं सकते। देन वो लोग होते हैं वो एक पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक्वा होता है वो बेसबॉल ग्लव लाया होता है, एक बॉल लाया होता है जिससे वो कैच कैच खेलने वाले होंगे। तभी यहाँ पे काना बोलने लगती है कि उसने लाइफ टाइम में कभी भी बेसबॉल वगैरह कुछ नहीं खेला है और अगर तुम्हें यही खेलना था तो तुम अपने क्रू में से किसी को ले आते। तो वो बोलने लगता है कि मैं उन लोगों के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ क्योंकि हमारे शो में जो बातें होती हैं कई बातें तो झूठी होती हैं जो हमें बनावट करके बोलनी पड़ती हैं और तुम अकेली लौती पर्सन हो जिससे मैं अपनी दिल की बातें एकदम साफ तरीके से होता है वो बोल सकता हूँ और तुम्हारे सामने मुझे एक्टिंग करने की कोई भी ज्यादा जरूरत है वह नहीं पड़ती है, इस वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। काना होती है वो एक्वा से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है, लाइक उससे उम्र में थोड़ी छोटी या उम्र में उससे थोड़ी बड़ी। एक्वा बोलता है कि जहां तक मुझे पता है कि मेरे टाइप के मेरी उम्र की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं आते हैं क्योंकि वो ज्यादा मेच्योर नहीं है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझसे थोड़ी बड़ी लड़कियां हैं वो मुझे ज्यादा पसंद आएंगी। ये सुनते ही काना एकदम खुश हो जाती है क्योंकि काना होती है वो एक्वा से एक साल बड़ी होती है। वो अपने खुशी के चार चांद बसाए उससे पहले उसे याद आता है कि अकाने भी उससे एक साल बड़ी है, मतलब उसकी दाल नहीं गलेगी। इस वजह से वो काना होती गुस्से में आके बहुत ज्यादा तेजी से बॉल एक्वा की ओर फेंक देती है। एक्वा बोलता
आता, तुमने तो कहा था कि तुम्हें बेसबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता और तुम पहली बार में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो वो बोलते हैं कि सच में मैंने सच कहा था और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लग रहा है। अकबर भी होता है वो समझ जाता है कि अकाने के साथ जो वो फील कर रहा था वो कोई लव वव नहीं है, बस उसने जो आई की एक्टिंग की थी जिससे हमारा अकबर होता है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है, जिस वजह से उसने उसकी थोड़ी तारीफ समझ के वो रख लिया होता है। फिर से हमें दिखाया जाता है अकबर और अकाने को, जहाँ पे अकबर तो होता है उसका फाइनल शूट होता है वो होने वाला होता है कुछ ही दिनों में। अकाने होते हुए अकबर को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी मदद से उसने जो कैरेक्टर अडेप्ट किया है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है वो गेन हो रही होती है। अकबर होता है वो अकाने से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसे कैसे किया, आई के कैरेक्टर को इतने ज्यादा अच्छे से अदा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था तो तुमने कैसे किया मुझे बता। अकाने बताने लगती है कि उसने हमारी आई के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की, उसके सिनेरियो होते हैं वो अपने माइंड में क्रिएट की और समझने लगी आखिरकार क्या क्या हो सकता है। एक सिनेरियो तो ये भी था कि मान लो हमारी आई के खुद कोई सीक्रेट बच्चे भी हैं जो कि हमारे एक्वा और रूबी होते हैं। ऑब्वियसली बात ये बात सुन के एक्वा के चार कान खड़े हो जाते हैं, दो उसके दो रूबी के। वेल कई चीजों को समझने अकाने को भी काफी दिक्कत हुई होती है क्योंकि आई की पर्सनालिटी काफी ज्यादा छुपी हुई थी। एक्वा होता है वो बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम आखिरकार आई के बारे में कितना कुछ है वो जान गई है, तो वो बताने लगती है कि वो उसके बारे में काफी कुछ जान गई है और उसके बारे में उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, वो स्ट्रांग है। अब एक्वा होता है वो मान जाता है कि यहाँ पे अकाने कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, उसके पास हाई लेवल का दिमाग है। अब फाइनली शो की एंडिंग होती है वो डिसाइड होने वाली होती है, जहाँ पे यूकी का होता है वो रोल होता है बहुत ज्यादा अच्छे से अदा करते हैं, फिर मैमचो का रोल होता है और कैंगो का वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से अदा करते हैं, और जब हमारे एक्वा का रोल होता है वो तो बहुत ज्यादा अच्छे से अदा करता है, पता है कैसे, वो सीधा जाता और अकाने को किस कर डालता है। हालांकि सभी लोग खुश थे, वहीं दूसरी ओर काना उसे गालियां दे रही थी साले भड़वे। अभी सब खत्म होने के बाद यहाँ पे एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पे सारे लोग होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हमारी अकाने के सारे दोस्त पूछ लेते हैं कि आखिरकार तुम और एक्वा मतलब साथ में डेट कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ। अकाने बताने लगती है कि उस टाइम पे हुआ था वो तो फ्लो फ्लो में हो गया था, बट अगर लक बाय चांस अगर वो हाँ बोलता है तो डेफिनेटली। अकाने को वैसे भी अपने करियर पे काफी ज्यादा फोकस करना होता है, तभी मैमचो बोलने लगते हैं चलो अपनी अपनी मतलब रिलेशनशिप के बारे में। यूकी को देख के तो लगता है कि कसम से उसके दोस्त से तीन चार बॉयफ्रेंड होंगे। यूकी रियलाइज करती है कि ये सब गलत हो रहा है, तो वो बोलती है कि असल में मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है आज तक। अब ये बातें आगे बढ़ने ही लगती है जैसे सेलिब्रिटीज के कितने ज्यादा अफेयर होते हैं वो सब। तभी शो का डायरेक्टर होता है वो उन्हें बताने लगता है कि वैसे तुम्हारे रिलेशनशिप में आना ना आना किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम्हें शायद हमारा कोई स्टाफ मिले भी ना जिससे तुम अपनी रिलेशनशिप है वो जैसे चाहे मेंटेन करो। और वो ना वॉर्न करता है कि देखो अगर तुम्हें कोई एकदम अच्छा सा ऑफर दे रहा है तो उसे सोच समझ के एक्सेप्ट कर, वरना वो लोग तुम्हें यूज करके फेंक देंगे। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा होता है वो मसाया के साथ खड़ा होता है और मसाया बोल रहा होता है कि वाह तुम्हारी वजह से हमारे एक्टिंग के चार चांद लग गए, स्पेशली जो तुमने मतलब किसी ने वीडियो डाली थी ऑनलाइन की जिसमें हमारी अकाने का फेवर लिया गया था, शायद वो तुम्ही ने बनाई थी ऐसा मुझे सुनने में आया है। उसके लिए उसकी तारीफ जरूर करता है, बट वो इसे ये बताने लगता है कि कुछ लोगों का ये बहुत ज्यादा बुरा कहना है कि तुमने ये गलत किया क्योंकि तुमने शो की क्लिप्स को होता है वो बिफोर टाइम है वो यूज किया है जो कि रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तो एक बार बताने लगता है कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, हमसे जो एग्रीमेंट साइन करवाया गया था उसमें साफ तौर पे लिखा था कि जो एक्टर होते हैं वो कास्ट पे जो भी थोड़ी बहुत फुटेजेस होते हैं वो बनाते हैं या फोटो वोटो उन्हें बिहाइंड द सीन होते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, जिसके तौर पे मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है जिसमें मेरा तो कोई नुकसान ना है। मसाया बोलता है कि मेरा डिसीजन एकदम सही था कि मैंने तुम्हें शो में लिया, ये मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन। अब मसाया होता है अपना वादा तोड़ना नहीं चाह रहा होता, इसलिए वो बोलता है कि देखो अगले वीक आके तुम्हें वो मुझसे मिलना, तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें दूंगा। अब यूकी और नोबी यूकी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और अकाने एक्वा होते हैं वो साथ में बैठ के बातें करने लगते बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक जैसे फेक रिलेशनशिप का प्रिटेंड करना चाहिए। एक्वा बोलने लगता है कि देखो बात ये है कि असल में हमारा फाइनल एपिसोड अभी अभी रिलीज हुआ और इतनी जल्दी अगर हम लोग बाहर ऐसे अलग अलग दिखेंगे तो बहुत अजीब लगेगा लोगों को और शायद वो हमारे शो को देखें, तो फॉर द सेक ऑफ टाइम हमें लगता है थोड़ा मिलजुल के रहना चाहिए, फेक रिलेशनशिप है वो जाहिर करनी चाहिए। एक्वा ये साफ क्लियर कर देता है कि उसे इससे कोई प्यार व्यार है वो नहीं है, बल्कि एज एक्ट्रेस वो उसकी काफी इज्जत करता है। काने काफी ज्यादा खुश होती है और वो बताने लगते हैं कि वैसे हमारी यूकी और नोबी यूकी ने होती है वो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट किया मतलब BFGF जो भी हो। एक्वा बोलने लगता है कि वाह भाई ये तो मतलब अच्छे सीन चल रहा है, मुझे पता होता तो काफी मजा आता। वो लोग होते हैं वो वहां से जाने लगते हैं और हमारा एक्वा भी जाने लगता है, तभी हमें दिखाया जाता है मैमचो बोलती है, वो बोलने लगती है कि शायद ये पल उसे काफी ज्यादा है वो याद आएंगे, स्पेशली एक्वा और अकाने का रिलेशनशिप बनावटी सही बट सही है। तभी एक्वा होता है वो बोल रहा होता है कि यार तुम्हें आइडल्स के बारे में काफी ज्यादा कुछ बताया मतलब हमारी कंपनी बिकॉम अच्छी के बारे में, तो यहाँ पे मैम जो बताने लगती है कि देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनना किसी को बताना मत, मैं असल में एक आइडल ही बनना चाहती थी पर उसने इस चीज से हार मान ली। तो एक्वा होता है वो बोलने लगता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप को स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को ज्वाइन करना चाहो। मैमचो को लग रहा होता है कि शायद एक्वा यहाँ पे मजाक कर रहा है, इसलिए वो बोलते है कि मजाक बंद कर, पर एक्वा को ढंग से देखने के बाद वो समझ जाती है कि एक्वा मजाक के मूड में नहीं है और उसके जो सपने
बचपन से अधूरे पड़े हैं, वो पूरे मियाको होती है, वो मैमचो के रिकॉर्ड्स को होती है, वो चेक कर रही होती है और उसके बाद उसे बता रही होती है कि तुम तो पहले से किसी एजेंसी के साथ है वो अलायंस में। देन मैमचो बोल रही होती है कि मेरी कंपनी को है वो कोई इश्यू नहीं है कि मैं किसी और के साथ भी है वो काम करती हूँ। तो मियाको को ये साफ पता चल रहा होता है कि मैमचो होती है वो अपनी उम्र को लेकर थोड़ी चिंता में थी, तो वो बोलते है कि मेरे साथ है वो साफ साफ बात करो। तो वो बताती है कि असल में उसकी उम्र 25 साल की है, बात सुन के वो सदमे में आ जाती है। मैमचो होती है वो अपनी सफाई में बोलती है कि वो हमेशा से एक आइडल बनना चाहती थी बट उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी जिस वजह से वो अपनी माँ के ख्याल के चक्कर में कुछ नहीं कर, उसे छोटी उम्र में ही जॉब करनी पड़ी थी और कुछ टाइम बाद उसे एक्टिंग में मौका मिल गया था जिसके बाद उसने कुछ सोचा ही नहीं। अब मैमचो की माँ की तबीयत होती है वो बहुत ज्यादा ही होती है, वो खराब हो जाती है जिस वजह से वो अपने स्कूल को ड्रॉप आउट कर लेती है और एक से ज्यादा जॉब करना शुरू कर देती है जिससे पैसा है घर में। यार धीरे धीरे करके मैमचो की मॉम की हालत होती है वो काफी ज्यादा बेटर होने लगती है और उसके साथ इसी का छोटा भाई होता है वो कॉलेज जाना भी शुरू कर देता है। तब तक वो 23 साल की हो जाती है और अब वो सोचती है कि उसे आइडल इंडस्ट्री में होता है वो जाना चाहिए बट वो अब ये नहीं कर सकती है क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट होती है 20 इयर्स। मैमचो बोल रही होती है कि शायद अपना सपना पूरा करने के लिए अब उसे मरना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे काना और रूबी आ जाती है और वहाँ पे मैमचो को होती है वो बोलते हैं कि आओ तुम्हारा स्वागत है हमारे टीम के अंदर, क्योंकि उसकी भावुक सी स्टोरी सुनने के बाद उनका मन होता है वो पिघल गया होता है। हालांकि काना अभी भी एक्वा पे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई होती है क्योंकि उसने अभी अकाने को किस जो किया होता है। काना होती है वो बोलती है कि मुझे जो काम करना है मैं वो अपने हिसाब से कर लूंगी, तुम तो बोलो ही मत। अगले दिन होती है रूबी मिनामी के साथ बैठी होती है, मिनामी होती है वो रूबी से बोलती है कि तुम्हारा तुम्हारे भाई के एक लड़की के केस करने के खिलाफ क्या कहना है। ये बात रूबी को काफी ज्यादा अजीब लगती है, फिर वो अपने मन में बोलती है कि एक्वा ने उसे इसलिए किस किया शायद वो उसे आई समझ बैठा हो। भी वहाँ पे फ्रिल आ जाती है और प्यार मोहब्बत के ऊपर अपने ओपिनियन देना शुरू करती है कि जैसे एक्वा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई और लड़कियां उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगी है जिसमें फ्रिल भी शामिल होती है। ये बात सुन के वो लोग सदमे में आ जाते हैं। अब एक्वा के चार और लड़कियां होती है वो मधुमक्खी की तरह होती है वो बंडराने लगती है। रूबी के चैनल पे लगभग उनकी बिकॉमेची वाले चैनल पे लगभग 10,000-20,000 समथिंग सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मैम जो होती है वो रिकमेंड करती है कि उन्हें अपने चैनल पे होती है वो एक म्यूजिक वीडियो बना के अपलोड करनी चाहिए जिससे उनकी पॉपुलैरिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाए। तभी रूबी बोलती है कि उनके पास उनका स्पेसिफिक कोई सॉन्ग है वो नहीं है तो वो ये नहीं कर सकती। तभी मैम जो बोलती है कोई चिंता नहीं है बिकॉमेची के बहुत सारे गाने अवेलेबल है। देन वो लोग होते हैं वो एक स्टूडियो होते हैं वो रेंट पे होते हैं वो ले लेते हैं और वहाँ पे होते हैं वो डांस नचनिया वाला डांस शुरू कर देते हैं जहाँ पे रूबी और मैमचो तो बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे होते हैं। वहीं पे काना थोड़ी पीछे रह जाती जिस वजह से वो थोड़ी डिप्रेशन में चली जाती। तभी एक्वा आता है वहाँ पे आके उसे पानी देता है और उसे बोलता है कि पानी पी लो बट वो मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी गुस्सा होती है क्योंकि उसने अकाने को किस किया होता है। अब वो उससे कुछ और बोले उससे पहले ही एक्वा वहां से भाग जाता है। अब वो जाके मिलता है मसाया से। अब मसाया होता है वो बताने लगता है कि आई के करियर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़िया चली, मतलब शुरुआत में आई थी भोली भाली बच्ची थी फिर उसको बिगाड़ दिया हम लोगों ने। अब मसाया ने उसे कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था जहाँ पे उसे उसके बाप मतलब एक्वा के बाप से प्यार हो गया था और पता नहीं क्या क्या हो गया होगा और उसका बाप कौन है वो उसे भी नहीं पता है। वेल ये बात तो साफ जाहिर थी कि एक्वा की मॉम होती यानी आई होती है वो उस बंदे से ही में प्यार करती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी उसके साथ। मसाया ये भी बोलता है कि एक्वा की मदद करने में से काफी खुशी मिलती है क्योंकि इन रिटर्न वो उसके लिए एक्टिंग जो करता है। मसाया होता है वो काना की थोड़ी सी तारीफ करता है मतलब बिकॉमेची की। देन हमें दिखाया जाता है मैमचो यहाँ पे रूबी को बता रही होती है कि उनके पुराने डायरेक्टर है उनके वो आइडल ग्रुप के साथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी जान पहचान है शायद वो उन्हें उठाने में उनकी थोड़ी हेल्प करते हैं। वेल काना यहाँ पे थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि वो अभी तक रेडी नहीं होती है। ऊपर से वो लोग होते हैं वो काना को सेंटर आइडल बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों को ज्यादा फेस वैल्यू नहीं होती क्योंकि कैमरा के सामने बैठ के लौड़े कभी गए नहीं और एकदम से चले जाएंगे तो लग जाएगी। पर काना होती है वो मना करने लगती है। एमचो होती है वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे गाना गा के देखेंगे जो सबसे अच्छा गाएगा वो सेंट्रल में जाएगा। पर काना यहाँ पे मना कर देती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसको पता है कि वो ये सब नहीं कर सकती। अब वो लोग होते हैं वो काना को मनाने की काफी ज्यादा कोशिश होते हैं वो करने लगते हैं। देन वो लोग कैरियोके भी ट्राई करते हैं यानी सिंगिंग जहाँ पे जब रूबी और मैमचो अपना गाना गाते हैं उनकी फट जाती है खुद का गाना सुनते क्योंकि जो गाना खौफनाक उन्होंने गाया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जब वो लोग यहाँ पे हमारी काना के जो मतलब एल्बम्स वगैरह वगैरह सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है कि वाह ये होती है सुरीली आवाज। अभी रैप करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। और ये सब देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि काना को तो सेंट्रल में ही है वो पेलना है। देन वो लोग एक वीडियो होते हैं वो शूट करने लगते हैं जहाँ पे वो अपने ऑडियंस को बताने वाले होते हैं कि काना को है वो सेंटर में रखा जाता है एज आइडल। और जब काना ये बात रियलाइज करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है वो माइक और कैमरा बंद करवा के बोलती है कि सालो तुमने मुझे सेंट्रल में कैसे रख दिया विदाउट एनी परमिशन। रूबी और मैमचो बोलने लगती है कि उसकी परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी वीडियो देखने के बाद उन्हें लगा था कि यहाँ पे हमारी काना ही है वो बेस्ट रहेगी सेंटर में रहने के लिए।
देन काना बोलने लगती की अच्छा ठीक है ये मैं कर लूंगी, पर सबसे पहले मुझे अपनी वो आवाज सुनाओ तुम कैसे गाती। उसकी आवाज सुनने के बाद काना का भरोसा उठ जाता है कि दुनिया में सिंगर भी एग्जिस्ट करते हैं। देन वो ये बात मान लेती है कि उससे बेटर कोई नहीं है और वो नाचना गाना शुरू कर देती है। बट स्टिल ना उन्हें गाने का एक्सपीरियंस होता है ना नाचने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो थोड़ा गड़बड़ कर रही होती है, जिसलिए मियां को होती है वो पायांग को फिर से यहाँ पे ले आती है। पायांग होता है वो बहुत ज्यादा बढ़िया ही बंदा होता है, वो सभी को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है, वो फिटनेस में काफी अच्छा होता है और दिल का काफी बढ़िया होता है, और वो उनकी घूम फाड़ प्रैक्टिस होता है वो करवा डालता है। और हमें पता चलता है ये पायांग और कोई नहीं बल्कि एक्वा ही होता है। ये बात होती है वो काना को पता चल जाती है जब वो छुप छुपा के देख लेती है। और अगले दिन मियां को होती है वो सभी को ले जाती है आइडल शो के लिए एक जगह पे जहाँ पे उनका रूम ही बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे उनके अलावा भी बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत छाए हुए आइडल्स आते हैं। काना होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसका पार्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लोगों ने हमेशा उसे नफरत ही दी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में भी वो कुछ ज्यादा खास है वो नहीं, और कई बार जब उसका मीटअप होता है तब उसी के क्रू के मेंबर होते हैं वो बेस बदल के वहाँ पे बैठ जाते हैं जिससे उसे बुरा ना लगे। काना होती है इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी मेहनत होती है वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाती है, इस वजह से उसके मतलब शो के मूवीज के जो प्रोजेक्ट आना होते हैं वो भी लगभग बंद ही हो गए होते हैं, और चाइल्ड एक्टर बनने की इच्छा में वो अपने सारे करियर ऑप्शन होती है वो हार रही होती है। और एक दिन उसकी मॉम भी उसे अकेला छोड़ के चली जाती बिकॉज उसके दद्दू ऊपर जाने के फिराक में होते हैं। अब धीरे धीरे करके जो काना होती है वो इंडस्ट्री से ऐसे मिट जाती है कि जैसे किसी ने पाउडर लगा के तेल मार दिया सांडे का। अब काना काफी ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसका शो होता है वो 3 घंटे बाद होता है और उन्होंने कुछ लवड़ा प्रैक्टिस की नहीं। अब घबराना तो जाहिर सी बात होती है, तो अचानक से वहां से रूबी भी आ जाती है और वो बोलती है कि उसकी तो फट रही है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ऑडियंस के सामने जाने से, पर काना झूठ बोल देती है कि चिंता मत करो मैं यहाँ पे हूँ, कोई चिंता करने की बात है वो नहीं है। बट रूबी समझ जाती है कि यहाँ पे वो झूठ बोल रही। काना बोलने लगती है कि बचपन से ही उसने अकेले काम करने को ज्यादा महत्व है वो दिया है, जिस वजह से लोग उससे दूरियां बनाना ज्यादा महत्व देते हैं। पर इस बार काना सोचती है कि वो किसी को भी पीछे छोड़े बिना सबको साथ में लेके चलेगी जैसे मैं, और ऊपर से सबसे मेहनती लड़की मैमचो के सपने को वो तोड़ना नहीं चाहती है, इस वजह से रूबी बोलती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं। देन वो उसे लेके वहां से जाने लगते क्योंकि इसके शो होता है वो शुरू होने वाला होता है। देन अब वो लोग होते हैं वो सज के सवर के तैयार होते हैं और सभी लोग बात कर रहे होते हैं नए ग्रुप्स के बारे में, जैसे बिकॉमिची यानी हमारे एक्वा का ग्रुप। लोग बोल रहे होते हैं कि ये एकदम सेकंड टाइप ग्रुप है, मतलब सेकंड है, पहले भी ये ग्रुप कामयाब था, मतलब बहुत ज्यादा कामयाब था, जिसकी सक्सेस का राज थी आई यू नो एक्वास आई। अब वो लोग होते हैं वो डर की मां बहन एक करके होते हैं अपनी कॉम्पिटिशन जो भी हो उसके लिए निकल जाते हैं। वो घबराई हुई होती है स्टार्टिंग में, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनका पहली बार ऐसे स्टेज पे एक्सपीरियंस होता है, बट जैसे वो स्टेज पे कदम रखते हैं उनका ये डर होता है वो तुरंत ही निकल जाता है और जो परफॉर्मेंस वो करके दिखाती है सारे फैन लोग होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और उसी के साथ होते हैं एक्वा होता है वो यहाँ पे जो डांस परफॉर्मेंस देता है उसे देखिए तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो लोग होते हैं वो घर के लिए होते हैं वो निकल चुके होते हैं, जहाँ पे काना होती है वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है क्योंकि उसे अभी भी शक था कि हमारा एक्वा का चक्कर चल रहा है काना के साथ। मियां को ये साफ समझ रही होती है कि काना के दिल में एक्वा के लिए फीलिंग्स है, इसलिए वो एक्वा से क्लियर करने के लिए बोलती है क्या तुम्हारा अकाना के साथ कुछ चल रहा है। एक्वा बताता है कि उसके साथ कोई सीरियस नहीं है, बल्कि हमारी जो शूटिंग के बाद अगर हम एकदम से ऐसे अलग हो जाएंगे तो लोग हमारे शो को शायद ना दे। ये सुनते ही काना होती है वो खुश हो जाती है और एक्वा के साथ होती है वो फिर से हंसी मजाक मस्ती चालू कर देती। जैसे ही मैमचू ये बात रियलाइज करती है कि काना शायद एक्वा को पसंद करती है, उसे यहाँ पे चिंता होने लगती है अकाने की क्योंकि वो उसकी दोस्त है। अब वो सोचता है कि आखिरकार एक्वा इस मोमेंट में किसको चुनेगा, अकाने को या काना को। हमें पता चलता है कि टोक्यो ब्लेड नाम की एक मांगा होती है वो लाइव एडेप्टेशन में वो आ रही है और ये बात हर जगह पे होती है वो फैल रही होती है, जहाँ पे प्रोड्यूसर होता है वो नए एक्टर्स को कास्ट करना चाह रहा होता है और इसी के लिए वो यहाँ पे मसाया से मिलने के लिए आता है मेन डायरेक्टर। और इस बंदे के दिमाग में पहले मेन रोल के लिए 2 नाम होते हैं जो कि होते हैं एक्वा और अकाने, और ऊपर से जो एक्वा और अकाने होते हैं वो पब्लिक में ये झूठी इमेज बनाए रखने के लिए जैसे वो असली में रिलेशनशिप में, उसके लिए वो डेली कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पे पोस्ट डालते हैं। अकाने को लग रहा होता है कि बस इतना करने से शायद लोग उनके लिए खुश रहेंगे और शायद उनका मजाक मस्ती भी होता है वो चालू रहेगा। अब अकाने होती है वो अपने कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है कि उसे ये कैरेक्टर मिला और वो उसे करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड, पर उसे एक्वा को पता नहीं होता कि एक्वा करेगा या फिर नहीं करेगा। तभी वो बोलने लग कि उससे मसाया ने कहा था कि यह बहुत अच्छा मौका रहेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कैसे भी करके उसे ये रोल तो मिलना ही पड़ेगा। अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा लौंडा एक्ट करने वाला है वो उस लड़की के मतलब अकाने के कैरेक्टर का लवर का रोल है। वेल ये एकदम बॉयज लव मानवा होती है, मतलब एक लड़के की एक लड़की के बीच की एक सिंपल लव एडेप्टेशन, बट ऐसी स्टोरी होती है वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती है, इसलिए 3 धारी तलवार चलानी पड़ती है, लाइक 2 मोहब्बत करने वालों के बीच में एक ऐसे लाया दो जिसके लवड़े लग जाए। अकाने बोलने लगती है शुरू जी नाम के कैरेक्टर के लिए जो भी
छोटी है, वो अभी तक कोई कास्ट नहीं हुआ। इतने में वहाँ पे काना आके एंट्री मारते हुए बोलती है कि पहचान कौन, मैं ही हूँ जिसको ये रोल मिला है। काना होती है वो उन दोनों को बोलने लगती है कि वैसे तुम लोग तो काफी ज्यादा लवी डब्बी हो, मतलब ऐसे फोटो डाल रहे हो, लगता है तुम स्टॉकर को मौका दे रहे हो कि आई हमको आके पकड़ लो। वो बताने लगती है कितना खतरनाक हो सकता है, एक स्टॉकर आएगा तुम्हारे अंदर चाकू घुसाएगा। ये आई वाली सीन क्यों लगती है मुझे, ये बनावटी है, मैंने खुद बोला है। काना उसे देख के वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तो सोचा था कि तुमने एक्टिंग करना छोड़ दिया और लापता हो गई हो, बट तुम तो अचानक से सामने भी आ गई। जिस पार पे काना होती है वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो दोनों होते हैं वो लड़ाई झगड़ा शुरू करने वाले होते हैं। अब काना यहाँ से गुस्से में चली जाती है और हमारी जो ये भी काने होती है वो बताने लगती है कि असल में काना और वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जान, एक्वा भी समझ जाता है कि उनके बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी दुश्मनी है। एक्वा बोलता है कि तुम दोनों फिर से आपस में दोस्ती कर लो, क्या दिक्कत है, बट वो मना कर देती है क्योंकि होता ही है कि काना ने बचपन से इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसके हाथ से छीन लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अब हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि आई की ग्रेव पे जाती है क्योंकि उसने अपनी मॉम का सपना पूरा कर दिया होता है आइडल बनने का, और एक्वा का स्टिल अभी भी एक मकसद होता है अपने बाप को ढूंढना और उसे पेलना मतलब मारना। वेल ये हो जाता है सीजन का एंड और कोई भी कमेंट में मुझसे इसका अगला पार्ट नहीं मांगेगा क्योंकि फिलहाल वो अवेलेबल नहीं और कुछ ही टाइम में वो आने वाला, और आते ही तुम्हें सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलेगा। इन द एंड सायोनारा और बाय बाय, मिलता हूं तुमसे अगले किसी वीडियो।